हमारी कई सारी स्ट्रीम्स के दौरान आप लोगों ने इस तरह के वाकयात सुने होंगे कि एक फैमिली एक नए घर में नई नई शिफ्ट होती है और कुछ दिनों के बाद कुछ अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। आज की एपिसोड भी कुछ इसी तरह की एक कहानी से शुरू होगी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है मरी की पहाड़ियों से। मरी की उन वादियों के बीच बना हुआ एक घर जो कि काफी अरसे दराज से एक फैमिली का आबाई इलाका था। जब वो फैमिली उस घर में दोबारा शिफ्ट होती है शहर से वापस, तो उन्हें नहीं मालूम होता कि जिस मकान में वो अपना बचपन गुजार कर शहर की तरफ चले गए थे और उसे अकेला छोड़ गए थे, अब वहां कोई और है। ये फैमिली उस मकान में शिफ्ट होती है। चूंकि वो पुराने तर्ज का बना हुआ मकान था, तो उसे नए जमाने के हिसाब से रेनोवेट किया जा रहा होता है। ग्राउंड प्लस वन ये मकान वादी पहाड़ियों के जंगलात के बीच में बना होता है। फैमिली के अंदर वालदा, वालिद, बहन, भाई और दादा मौजूद होते हैं। ये प्रॉपर्टी असल में तो दादा के नाम होती है, लेकिन अब चूंकि वो ज़ईफ हो चुके हैं, तो इस प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम कर दिया जाता है और बेटा अपनी फैमिली के साथ अपने वालिद समीत वहां पे शिफ्ट हो जाता है और साथ साथ उस घर की तामीर भी शुरू हो जाती है। एक रात फैमिली को एक शादी में जाना होता है। जो उनकी छोटी बेटी होती है उसका अगले दिन एग्जाम होता है, तो वालिदैन उसको भी पुश करते हैं और वो खुद भी यही चाहती है कि वो घर में अकेले रह ले ताकि पढ़ाई कर सके, रिवीजन कर सके। फैमिली तैयार होके घर से बाहर निकल जाती है और वो बेटी अपने एग्जाम की तैयारियों में अपने कमरे में बैठी होती है। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद उसे नींद आना शुरू होती है। कहीं वो सो ना जाए इस डर से वो किताबें बंद करती है, उठती है और बाहर लाउंज की तरफ जाके बैठ जाती है ताकि थोड़ा सा माहौल चेंज होगा तो शायद नींद भी भाग जाए। वो अपने लाउंज में बैठ के जो भी करीबी रखे हुए पल होते हैं वो खा रही होती है, टीवी देख रही होती है कि उसको अपने कॉर्नर ऑफ द आई से ऐसा लगता है कि उस कमरे में जहां पे वो अभी थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी कोई मौजूद है। पहले तो उसको अपना ये वहम लगता है, चंद मिनट के बाद दोबारा उसको ऐसा महसूस होता है कि उधर कोई मूवमेंट हो रही है। दोबारा देखती है तो वहां कोई नहीं होता। अच्छे तरीके से कमरे की तरफ जाती है, लाइट्स ऑन करती है, चेक करती है, खिड़की चेक करती है, पर वहां कोई नहीं होता। आके दोबारा वो टेबल पे बैठ जाती है। अभी वो टीवी देखना शुरू ही करती है कि उसको अपनी पेरिफेरल व्यू से ऐसा लगता है कि उस कमरे के दरवाजे पे एक मुर्दा नुमा कोई चीज खड़ी हुई है। जैसे इंसान का हड्डियों का ढांचा होता है वैसी। अपने पेरिफेरल व्यू से वो देख रही होती है तो उसको वो साफ नजर आ रहा होता है। गर्दन पलट के दोबारा उस दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां कोई नहीं होता। ऐसे वो चार पांच दफा करती है और उसको हर दफा ऐसा महसूस होता है कि वहां पे कोई ऐसा स्केलेटन खड़ा हुआ उस दरवाजे पे उसको देख रहा है। और जब वो पलट के उस जगह देखती तो वहां कोई नहीं होता। अब उसको ये समझना है कि ये उसका वहम है, खौफ है, अकेले रहने का डर है, या वाकई में कोई ऐसी मखलूक उधर मौजूद है।
खैर इतनी देर में उसकी फैमिली वापस आ जाती है। घर में शोर शराबा शुरू हो जाता है। अपने वालिदैन को रिसेंटली हुआ हुआ ये वाकया जब बताती है तो उसके वालिदैन का भी यही मानना होता है कि शायद तुम चूंकि अकेली थी और चारों तरफ जंगलात ही जंगलात हैं, नया मकान है, तो शायद तुम्हें ये वहम लग रहा होगा। बात आई गई हो जाती है। थोड़े दिन के बाद घर में जितने तमाम मेंबर्स होते हैं वो ये महसूस करना शुरू करते हैं कि घर के हर कॉर्नर पे, हर कमरे में, हर जगह खून के कतरे मिलना शुरू होते हैं। और ये सिर्फ एक फैमिली मेंबर के साथ नहीं बल्कि तमाम फैमिली जो उस घर में रह रही होती है, बिलखुसूस दादा से लेके उस छोटे पोते तक, सबको वो खून के धब्बे साफ दिखाई देते हैं। इसी दौरान घर की पहली मंजिल पे तामिराती काम चल रहा होता है। एक रोज वहां पे काम करने वाले मजदूर ये शिकायत करते हैं कि उस पहली मंजिल के एक मखसूस कमरे के कॉर्नर से शदीद बदबू आती है और ये काफी दिनों से मसला चल रहा था। जब वो बदबू इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पे काम करना मुश्किल हो जाता है तो दादा ये हुक्म देते हैं कि जिस जगह से वो स्मेल आ रही है उस जगह को खोदा जाए, देखा जाए कि आखिर वहां है क्या। मजदूर उस जगह को तोड़ना शुरू करते हैं और चंद मिनट की काविश के बाद एक बिल्ली की लाश उस कमरे के उस कॉर्नर पे दबी हुई मिलती है। खौफनाक बात यह थी कि उस बिल्ली की डेड बॉडी का सर अलग और धड़ अलग हुआ हुआ था और इस तरीके से कटा हुआ था जैसे बाकायदा चाकू के जरिए काटा गया हो। जैसे ही वो लाश उस जगह से निकलती है बदबू पूरे घर में फैलती है। घर की हर जगह पे खून के कतरे दोबारा नुमाना होना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके की प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती है। काम करने वाले खौफ के मारे उस जगह पे काम करना छोड़ देते हैं। जब हालात हाथ से बाहर जा रहे होते हैं तो दादा फिर एक मौलवी साहब को लाते हैं जो कि उसी करीबी इलाके के मस्जिद के इमाम भी थे। उनसे जब पूछा जाता है और साथ साथ इस्तिखारा किया जाता है तो उसमें इशारा मिलता है कि शायद यहां पे किसी जमाने में काले जादू का इल्म किया गया था और वो काले जादू का इल्म इस बिल्ली की लाश के जरिए किया गया था। पढ़ना पढ़ाना शुरू किया जाता है। उस बिल्ली की लाश को उठा के बाहर जाके दफना दिया जाता है। अब मामलात ठंडे हो जाते हैं। जहन से ये भी बात निकल जाती है कि अब चलो अगर किसी ने काला जादू करवाया था तो उसको भी खत्म कर दिया गया। लेकिन पहाड़ों की, जंगलात की हकीकत कुछ और ही होती है। चंद दिनों के सुकून के बाद दोबारा से इस तरह के वाकयात रोनुमा शुरू हो जाते हैं। अब की बार सबके साथ इंडिविजुअल लेवल पे मुख्तलिफ अवकात पे वाकयात होते हैं और हमेशा वो वाकयात रात 12, 2, 4 इस नौयत पे होते हैं। एक रात वालिद साहब उनको नींद नहीं आ रही होती,
अपनी बैल्कनी में जाके खड़े होते हैं ताकि वो ठंडी हवा को एंजॉय कर सकें। देखते हैं कि उनकी पहली मंजिल की जो बैल्कनी थी उस पे कोई लड़की मौजूद है। अभी वो ये समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि कहीं उनकी बेटी तो नहीं। वो देखते हैं कि वो औरत घर की दीवार बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से छपकली या फिर स्पाइडर क्रॉल करती हुई घर की छत पे चली जाती है। ये डर के मारे फौरन कमरे के अंदर आते हैं, अपनी बीवी को उठाते हैं, जाके अपने वालिद साहब को उठाते हैं, जो घर में काम करने वाला नौकर होता है उसको लेके छत की तरफ जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। उसके बाद जब इनकी बेगम घर के निचले हिस्से में काम कर रही होती हैं, तो उनको रात के टाइम पे अक्सर ऐसा महसूस होता कि जंगलात की तरफ से कुछ लोग हैं जो इनके घर की तरफ आ रहे हैं, और वो लोग कोई इस एक्सप्रेशन के साथ आते थे जैसे कि धावा बोलने आ रहे हों या बहुत गुस्से में हों, और करीब आते 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 अचानक से गायब हो जाते। बेटी के साथ भी कुछ इसी तरह के वाकयात होते, दस्तक होना, सोते में ऐसा महसूस होना कि बराबर में बैठ के कान में कोई सरगोशी कर रहा है। जब दादा के साथ वाकया पेश आया तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए और वापस शहर की तरफ चले जाना चाहिए। जब बाकी सारे फैमिली मेंबर्स ने अपने दादा से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप हमें दोबारा शहर जाने के लिए कह रहे हैं, तो वो बताते हैं कि रात को जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो नमाज पढ़ते पढ़ते जब मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो मैंने एक बहुत ही खौफनाक अजीब और गरीब शक्ल वाले एक शैतानी मखलूक को अपने कमरे के कॉर्नर पे खड़े हुए देखा और उसके दांतों में से खून टपक रहा था और सिर्फ एक बात बोल रहा था, चले जाओ। दादा को पता नहीं उसका पैगाम शायद समझ में आ गया, और चूंकि पहले भी फैमिली मेंबर्स के साथ वाकयात पेश आ रहे थे तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो मकान छोड़ देना चाहिए। वो घर तो छोड़ दिया, ये पूरी फैमिली उस मकान को छोड़ के शहर चली गई। लेकिन आज भी उन वादियों में, उन पहाड़ों में, उन जंगलात में वो मकान वैसे ही मौजूद है। इर्द गिर्द के गांव में जो और बाकी लोग हैं उनका मानना ये है कि आज भी उस बंद घर से जोर जोर से रोने की आवाज आती है, और अगर कोई जाके देखना चाहे तो वही मखलूक फिर दिख भी जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू Midnight Horror Stories with Minhaj Ali Askari. वेलकम टू द स्ट्रीम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करते हैं कि सब साथ खैरियत से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत याब करे, और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनकी मगफरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। पहाड़ी इलाकों के होने वाले वाकयात बड़े फैसिनेटिंग होते हैं। एक तो वैसे ही पहाड़ हर किसी को अपनी तरफ रागिब करते हैं, खूबसूरती, ताज़ा माहौल,
इंसान को और क्या चाहिए। वादियों के बीच में बना हुआ खूबसूरत सा मकान, चारों तरफ जंगलात से घिरा हुआ, नेचर बिल्कुल आपके करीब, आप जंगलात के करीब, लेकिन हमेशा हर जगह की मुख्तलिफ कहानियां होती हैं। कुछ ऐसी सच्चाई होती है जो वहां रहकर ही पता चलती है, और शायद इस फैमिली को भी वहां रहकर ही पता चला कि आखिर वो मकान जो इनके बचपन का था वो अब वैसा नहीं रहा जैसे वो सोच रहे थे। इसी तरह के मकानात सिर्फ पहाड़ी इलाकों पे नहीं बल्कि शहरों में भी होते हैं। कई दफा कई सारे लोगों ने अपने वाकयात हमारे शो में शामिल किए हैं, जिसमें आप लोगों ने भी अपना इनपुट दिया है। खैर जी, जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी हाजिरी लगाना शुरू कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम कौन कौन और कौन से इलाके से सुन रहा है। अभी माजी में कैलाश वैली खबरों की जीनत बनी। कैलाश में एक फेस्टिवल होता है जो बड़ा ही कलरफुल, बड़ा ही हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। उसी से हमें हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने अपना एक वाकया शेयर किया। कैलाश वैली बहुत ही कम लोगों का जाना होता है क्योंकि वहां पहुंचने ही बहुत मुश्किल काम है। एक फिल्म के लिए भी हमारा कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ट्रूप उधर गया था जिनके साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए थे। वो हम किसी और दिन अपने शो में शामिल करेंगे, लेकिन आज जो ये हमारे कॉलर हैं इनके साथ क्या वाकया पेश आया, आए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मिनहाज भाई, जो मैं आपको वाकया बताने जा रहा हूँ आज, उसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। वाकया कुछ इस तरह है मिनहाज भाई के, 2015 में हमने तमाम दोस्तों ने मिलके एक नॉर्दर्न एरिया में जाने का प्लान बनाया अपने उस दोस्त के साथ, जो कि अपनी नई नई जॉब छोड़कर टूरिज्म की जानिब राग़िब हुआ था, जो कि आज एक माइक्रो सेलिब्रिटी है। टिकटॉक इंस्टाग्राम पे आप उनको देख सकते होंगे। मिनहाज भाई, ये वाकया वादी कैलाश का है। हमने एक ओल्ड इलाके को सिलेक्ट किया था, हमने वादी कैलाश का हमें प्लान बनाया और घर से निकल गए ईद के थर्ड डे 2015 में। वादी कैलाश पहुंच के हमने तमाम खूबसूरत नज़ारों को देखा जिनको सिर्फ सुना ही था। वादी कैलाश के लोग, वहाँ के सकाफत, वहाँ का मज़हब, तमाम चीज़ें पंजाब की नस्बत या फैसलाबाद की नस्बत बहुत डिफरेंट थी। हर चीज़ वहाँ की बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पे मौजूद रह के हमने प्लान बनाया कि क्यों ना आज कैंपिंग की जाए, और कैंपिंग का प्लान बनाते ही हम लोगों ने वादी कैलाश से करीब ही एक इलाका ग्रुम का प्लान बनाया। ग्रुम वादी कैलाश से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पे जाके हमने अपने कैंप्स लगाए। ग्रुम की खास बात यह है कि ग्रुम से आगे सड़क, पक्की सड़क ख़त्म हो जाती है और मज़ीद कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। तो ग्रुम के पास एक दरिया भी बहता है। हमने ग्रुम के पास अपना कैंप लगाया और हमारे साथ जो ड्राइवर थे वो उसी इलाके के ड्राइवर थे। हमने कैंप लगाने के बाद दो कैंप्स में डिवाइड किए, दोनों तरफ बॉनफायर चलाए और अपने अपने कैंप्स में लेट गए। अराउंड 3 AM हमारे कैंप के पास, अराउंड 2 AM सॉरी, हमारे कैंप के पास एक फौजी आया, बिल्कुल नज़दीक ही तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक फौजी चौकी भी थी। उस फौजी ने आके हमें यहाँ पे कैंप लगाने से मना किया कि यहाँ पे कैंप ना लगाएं। फौजी चूँकि उस इलाके का था तो उसने हमें इतना कहा कि यहाँ पे दहशतगर्दों का ख़तरा है तो यहाँ पे कैंप ना लगाएं। तो ज़िद करने पे उसने हमें परमिशन तो दे दी
लेकिन उसने हमें एक वॉकी टॉकी दे दी अपनी, एक कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें फौरन इतला कर देना, हम पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत नाइस गेस्चर था उस फौजी की तरफ से। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने अपने कैंप्स में चले गए। मिन्हाज भाई, इन तमाम इलाकों की रातें इतनी सर्द और इतनी खामोश होती हैं जिसका आप तोको भी नहीं कर सकते। अब वहाँ पे कैंप लगाने के बाद हमने डिसाइड किया कि बोनफायर एक कर लिया जाए दो को ख़त्म करके, और अब सोना चाहिए। 3 बजे के टाइम, तकरीबन 2:30 बजे के टाइम हमने सोने का प्लान किया, जो कि एक उस इलाके के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम था। वहाँ के लोग तो वैसे ही 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं। खैर, हमने सोने का प्लान किया और हम अपने अपने बैग्स में, बॉडी बैग्स में लेट गए, स्लोरी सॉरी स्लीप बैग में हम लेट गए। और लेटने के बाद चंद सेकंड्स में हम तमाम लोग सो चुके थे। अब मिन्हाज भाई, ऑलमोस्ट 3:30 बजे के टाइम पे ऑपोजिट साइड से, मतलब दूसरे कैंप से, एक लड़के की आवाज़ आई जो कि हमारा दोस्त ही था, और उसने रिक्वेस्ट की कि उसे वॉशरूम जाना है, और ग्रुप लीडर से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे गाइड करो मैं क्या करूं। अब वहाँ पे अंधेरा होने के बायस उसे ग्रुप लीडर, जो कि हमारा टूर गाइड था, उसको लेके करीब ही एक जगह पर चला गया। उस लड़के ने कहा कि यहाँ पे मजीद बहुत से दरख्त हैं, तो किसी दरख्त के नीचे क्यों नहीं। तो उसने सख्ती से मना किया कि दरख्त के नीचे नहीं, यहाँ पे किसी खुले एरिया में तुम ईजी हो जाओ। और खैर, वो ईजी हो के आके दोबारा उस कैंप में लेट गया। अब मिन्हाज भाई, ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद, जब सिर्फ ये दो पर्सन्स जाग रहे थे, वहाँ पे एक फीमेल का आना हुआ, जो कि मैं तो सो रहा था तब तक, मुझे नहीं पता। उनके कहने के मुताबिक 70+ की खातून थी, और उसने आके पंजाबी लैंग्वेज में कहा कि पुत्र बिनू चौकी दिकर छाड़े आओ, मतलब बेटा मुझे चौकी तक छोड़ो, फौजी चौकी तक। मेरा जो ग्रुप लीडर था वो खामोश रहा इस बात पे, और तमाम लड़के इस पे उठ गए और उठ के देखने लग गए। तो ग्रुप लीडर ने उसको कहा कि खातून जाओ यहाँ से, ये तमाम गुफ्तगू पंजाबी लैंग्वेज में हुई थी, खातून जाओ यहाँ से, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। इस वक्त तक तो मैं भी उठ गया था और मैं फौरन जज करने लग गया था उसको कि इस टाइम पे एक बुजुर्ग की मदद क्यों नहीं कर रहा। अब उस खातून ने हमारे कैंप से उठ के सेकंड कैंप के पास जाके सेम यही बात की कि मुझे आगे चौकी दिखकर छोड़ाओ, अपने ड्राइवर को वो सोया हुआ है। तो वहाँ पे किसी पर्सन ने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारे ग्रुप लीडर की तरफ से सख्ती से मना था कि कोई भी पर्सन किसी भी किस्म की हेल्प मांगे तो उसका जवाब सिर्फ मैं ही दूंगा। अब मिन्हाज भाई, वो औरत दोबारा घूम के हमारे कैंप पे आई, और उसने बकायदा नाम लेके जुनैर मुझे वहाँ तक छोड़ाओ पंजाबी में। तो जुनैर ने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया, और इस वक्त तक हम तमाम लोग उठ गए थे। तो क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त 15-16 साल थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो मंजर इंतहाई खौफनाक था। अब होता यूं है मिन्हाज भाई कि वो औरत तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद वहां से चली जाती है, और नज़दीकी कैंप को आवाज़ मार के पूछा जाता है कि क्या आप लोग ठीक हो। तो वहां से पॉजिटिव साइन आता है और ये लोग तमाम लेट जाते हैं। जुनैर से पूछने पे उसने बताया कि इन इलाकों में अक्सर औकात ऐसी चीज़ें शरारत करने के लिए आ जाती हैं।
अब हम लोग खौफ ज़्यादा थे और सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, कोई सो नहीं पा रहा था। और हमारे ही ग्रुप में एक पर्सन जो कि हाफ़िज़ कुरान भी था, उसने ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी थी। खैर, चंद घंटों के बाद सुबह हुई, हम लोग अपने कैंप से बाहर निकले। तमाम ने अपनी खैरियत एक दूसरे को बताई और जुनैद से पूछने पे उसने मुझे बताया कि वो औरत पंजाबी लैंग्वेज बोल रही थी, जो कि इस इलाके में बोलना एक इंतहाई अजीब है। इस इलाके में वो लैंग्वेज इत्तफाकन भी नहीं सुनी जा सकती, अगर कोई टूरिस्ट ना हो तो। और ये औरत जो कि अपने आप को चित्राली कह रही थी, वो रिक्वायर कर रही थी पंजाबी लैंग्वेज में कि मुझे आगे छोड़। सुबह उठते ही हमने उस वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया और फौजियों को इस तमाम वाकये की खबर दी। तब तक हमने अपने ड्राइवर का पता नहीं किया था, तब तक हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे और ड्राइवर गाड़ी में सोया हुआ था। ड्राइवर की समझदारी थी कि उसने विंडो थोड़ी सी नीचे की थी, क्योंकि वो हीटर चला के सोया था और गाड़ी को कंप्लीटली बंद करना इज लीथल। तो उसने उसे जाके हमने आवाज़ें दी कि उठो, ताकि उसको रात का वाकया बताया जा सके। पर ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में था उस दिन। उसको 3-4 दफ़ा हिलाया, गाड़ी को हिलाया, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। थोड़ी सी विंडो खोली होने के बायस हमने करीब ही बहती एक नहर से थोड़ा सा पानी लिया और वहाँ से अंदर भागा। और जैसे ही उसके मुंह पे पानी पड़ा, मिन्हाज भाई, वो उठ के चीखने लगा, और इतना ज़्यादा चीखने लगा, इतना ज़्यादा चीखने लगा कि 10 मिनट या ऑलमोस्ट 7-8 मिनट हमने उसको चीखते हुए देखा, जो कि हर सेकंड हमें मज़ीद खौफज़दा कर रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा मुनासिब हुआ तो उसने गाड़ी के लॉक्स खोले, उसको बाहर निकाला। तब तक फौजी भी आ चुके थे और उसको पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम थी। पहले तो वो कुछ नहीं बता रहा था, वो सिर्फ पानी पानी रिक्वायर कर रहा था। उसने खूब सारा पानी पीने के बाद और ऑलमोस्ट 2 घंटे नॉर्मल होने के बाद हमें बताया कि रात को एक जवान लड़की वहाँ पे नमूदार हुई, तकरीबन 3:30-4 बजे के टाइम पे। और क्योंकि वो आदमी चित्राली था, वो समझ रहा था कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। तो उसने उस औरत को किसी भी किस्म की लिफ्ट देने से मना कर दिया। दिस इज़ ऑड कि हमें एक बूढ़ी खातून नज़र आई थी और उसको एक जवान लड़की नज़र आई थी। उसने उस औरत को किसी किस्म की मदद करने से मना तो कर दिया, लेकिन वो वहाँ से जा नहीं रही थी। 3 से 4 दफ़ा उसको मना करने के बाद उसने करवट ली और आंखें बंद की और सो गया। शायद वो डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को फेस करते हैं, इसलिए उसमें खासी हिम्मत थी। पर उसके मुताबिक जैसे ही उसने करवट ली और लेफ्ट सीट के देखा, पैसेंजर सीट पे देखा, देयर वर 7 पीपल इन हिज कार। और वो 7 लोग कौन थे वो उसको मालूम नहीं था। इनहाज भाई, दिस इज नॉट अ मेड अप स्टोरी, ये एक्चुअल वाकया। फौजियों को तमाम वाकया बताने के बाद उन्होंने एक पंजाबी ऑफिसर से हमें मिलवाया, और उस पंजाबी ऑफिसर ने हमें बताया कि यहाँ पे ये सब वाकयात होना मामूल की बात है, और इसी वजह से रात को हमें मना किया जा रहा था। वहाँ के लोकल ऑफिसर्स या वहाँ के लोकल फौजी हमें इसलिए यहाँ पे एक्चुअल वजूहत नहीं बता रहे थे क्योंकि ये उनके इलाके की बेइज्जती कंसिडर होती है, वो अपने इलाके की बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मिन्हाज भाई, वहाँ पे मौजूद पंजाबी ऑफिसर ने हमें ये सब के मुतालिक बताया कि यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि जवान औरतों का रूप धार कर सामने आती हैं,
फौजियों को वरगलाती हैं और फिर उन फौजियों की लाश कई कई मंथ्स नहीं मिलती, कई कई वीक्स नहीं मिलती, और जब मिलती हैं तो ऐसे होती हैं जैसे किसी ने उनके जिस्म से एक एक गोश्त की बोटी नोच कर खा ली हो. एंड दैट्स इट. आई होप यू लाइक इट. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैलाश से रिलेटेड वाकया हमसे शेयर करने का. खैर जी, वेलकम टू द हॉरर स्ट्रीम लेडीज एंड जेंटलमैन. हमारे शो में शामिल होने के तीन तरीक़े हैं जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं. सबसे पहला है कि आप लोग अपने वाकयात, अगर आप लोगों के साथ कोई इस तरह के वाकयात पेश आए हैं या आपके रिश्तेदारों के साथ या आपके दोस्तों के साथ, जैसे कि हमारी थंबनेल पे हमारा टॉपिक आपके सामने ही है, हॉरर स्टोरीज, तो आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे. इसके अलावा अगर आप लोग अपनी हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये लिंक आपको YouTube चैट पे टॉप पे पिंड हुआ हुआ भी मिलेगा और बार बार हम इस लिंक को YouTube चैट पे शेयर भी करते रहेंगे. तीसरा जो कि सबसे आसान तरीका है वो है WhatsApp. आप लोग अपने वाकयात चाहे हमें रिकॉर्ड करके या फिर टेक्स्ट फॉर्म में WhatsApp कर सकते हैं 03111577846 पे. खैर जी, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ एंड देखते हैं कि किसने हमें ज्वाइन किया हुआ. इल्यूमिनेशन, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा ताकि हम आपको स्ट्रीम पे शामिल कर सकें. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही. चले आप अपना माइक वाइक सीधा कीजिए फिर दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिएगा. अरसलान ने हमें ज्वाइन किया हुआ. अरसलान, अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली आप अपना माइक ऑन कर लें. अस्सलाम वालेकुम अरसलान. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मिनाज? आप खैरियत से? अलग अलग लाख शुक्र है. आप सुनाइए. आई होप पहचाना होगा आपने, रमजान में आपके साथ बात हुई थी मेरी और मेरी बेटी की, हमने आपसे शेयर की थी अपनी स्टोरीज. जी जी बिल्कुल मुझे याद है. हाँ जी, और बस आज वो कुछ था आपके साथ शेयर करने का. कोई बच्ची ने कहा था कि आप करें तो एक दो दो स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. जी जी बिल्कुल कीजिए. और रेलिवेंट हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कि वो मेरे एक फैमिली के अंदर मतलब उनके साथ है, मेरे एक रिश्ते में मामू मतलब मेरी मदर के फर्स्ट कज़न थे जिनके साथ ये वाकया पड़ा. मतलब दैट वाज अ वेरी हॉरिबल काइंड ऑफ सिचुएशन. दैट वो ये था कि हमारा इलाका जो आपको पहले बताया था कि जिस तरह भावलपुर से, वी बिलोंग टू भावलपुर ना बेसिकली, सेटल इन इस्लामाबाद. तो वहाँ ये था कि वो एक इलाका है, वहाँ एक मॉडल टाउन का इलाका है. वहाँ है हमारे मतलब इनहेरिटेड घर हैं जो बने हुए हैं. तो वहाँ मेरे नाना का घर भी है, उसके तकरीबन एक ही स्ट्रीट के अंदर एक गली इस तरह होती है. उस गली के अंदर एक कॉर्नर पे मेरे मदर के उन्हीं जो है ना मामू का घर था, अभी भी है. सही. तो ये मेरे जो मामू हैं इनका मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब ये अकेले थे, मतलब नेवर मैरिड. तो ये मतलब ही वाज अराउंड 60, ये दो साल पहले की बात है. तो वो ये इस्लामाबाद में बेसिकली उनकी हमशीरा होती है. तो वो अकेले थे, तो वो अपने कोई प्रॉपर्टी के सिलसिले में वो उस घर में जो कि खाली पड़ा था तकरीबन 10-12-13 साल से, तो वो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैं वहाँ रह लेता हूँ तो टाइम गुजार लूँगा, और कोई केस चल रहा था तो उसको मैं सॉर्ट आउट करके वहाँ मतलब रह लूँगा. तो उनके पास चाबियाँ थी, वहाँ ला के चले गए. तो वो अकेले रहते थे, थोड़े से मतलब खुश मिजाज भी थे थोड़ा सा, तो कैजुअल भी थे, आप समझ रहे होंगे. तो वो अकेले रहते थे दोस्त यार, चूँकि वहीं उनकी ग्रूमिंग हुई थी, सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी. तो रात के 2-2:30 बजे तक दोस्त आने, अपना अपना गप्पे शप्पे लगाना, आप समझते हैं सारा जो होता है.
वो बैठते और रात 2:30-3 बजे तक करते, गपशप लगाते। तो वो इस तरह से था कि उस घर में जो है ना दो पोर्शन है, एक में शुरू से जो है ना मतलब फैमिली रह रही थी 10-12 साल पहले, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन बहुत अरसे से जो है ना वो खाली पड़ा था और वहाँ को ऊपर जाता ही नहीं था ना, वो काफ़ी अरसे से। तो मेरे जो मामू थे वो जो है ना उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। उनको लोगों ने वहाँ जब आके दरवाजे खुलवाए उन्होंने और जाके सफाई वफाई करवाई, एक मेन टीवी लाउंज टाइप कमरा था वहीं उन्होंने अपना सेट कर लिया लिविंग। तो उनको लोगों ने कहा कि जी आप अकेले यहाँ ना रहें, तो इसलिए कि यहाँ से ऊपर से जो छत है वहाँ से 2-3 कमरे हैं और वहाँ लाइट भी नहीं है बहुत अरसे से, और वहाँ जो है ना बड़ी अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं और बड़ी मतलब बड़ी हॉरिबल किस्म की, जिससे जो है ना मतलब ये कि ट्रामाटाइज हो जाते हैं, इतनी शदीद किस्म की ख़तरनाक आवाज़ें आती हैं। तो सही। वो उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की, चूँकि वो होता है कुछ लोग बिलीव नहीं करते, तो वो अपना थोड़ा सा उनका था उस टाइप पे मतलब कि वो थोड़ा सा अल्कोहलिक साइड पे मतलब थोड़े से उनका था, वो आपको पता है इसमें ऐसे जो होते हैं तो उनको ऐसे ही थोड़ा सा होता है कि वो फियरलेस होते हो जाते हैं। तो वो ऐसा था कि उनने एक नौकर अपना रखा अपने साथ, तो वो ऊपर जाके एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकर उन्होंने अपनी खिदमत के लिए रखा जैसा होता है सर्व करने के, वो ऊपर जाके कोई चीज़ उठाने लगा तो रात के वक्त, तो उसको जो है ना बड़ी ही और ना किस्म की ऐसी आवाज़ आई कि तू मतलब ये कहा गया कि तू और तेरा जो ये है इसको कह के यहाँ से चला जाए। बहुत मतलब इतनी कहते हैं कि वो आवाज़ थी कि वो बंदा बताता है कि वो उसका रंग फक हो गया और वो सीढ़ियों से मतलब लुट जो क्रॉल करता वो नीचे आके गिरा, और उसको मतलब पुश था उस आवाज़ में सुना ना पुश होती है, तो उस तरह वो पुश थी कि तू कह तू तू और तेरा जो मालिक ऐसे कह यहाँ से चला जाए, उसका मतलब नतीजा बहुत ख़राब होगा। तो ये जब ऐसे उसने हुआ तो वो कांपता हुआ थरथराता हुआ नीचे गया, तो मामू के दोस्त वगैरह बैठे हुए थे वो उसकी बात पे आंसर लग गए कि ये क्या बातें कर रहा है और क्या मतलब इस तरह की बातें, ये वो डर गया और मतलब लोगों की बातों का असर हो गया आसपास के लोगों का। तो फिर क्या नाम है एक उनमें एक बंदा बैठा था, उन्होंने कहा जी ऐसे हमने सुना है कि आप एक ख़त लिख के ना, ये पुराने तरीके होते थे शायद जो माजी में, एक ख़त लिख के ना कि ऊपर रखवा दें कि जी आप हमें तंग ना करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप ना रहते रहें, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, चलिए उर्दू में जिस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो मैटर नहीं करता वो, तो आप जो है ना जाके देखते हैं लिख के रखवा दें वहाँ। तो उन्होंने ऐसे किया और उसी को जो है ना उसको कहा कि जाके तुम अगले दिन दिन में लिखा कि जाके ना मतलब मगरब के बाद उसे कहा कि तुम जाके रख देना, तो दिन में सोते थे रात को जागते थे वो लोग। तो वो बंदा जो है ना लड़का जो था वो मतलब 20-22 साल का लड़का था, उसने जाके वो खत मिनाज रखा है ऊपर ना, वो एक मतलब स्टेयर्स थी, स्टेयर्स के बाद एक छोटा सा लाउंज था जो कि, और उसके बाद जो है ना 2-3 कमरे थे जो बिल्कुल ब्लैक आउट थे और बड़े मतलब कहते हैं कि मतलब तो देख के उसको दहशत आती थी। जो उसने वहाँ ख़त रखा है ना, तो ख़त रखते ही ना उसको उस वो बेसिकली जो है ना वो जो भी थी इसको बताऊंगा कि वो क्या थी, उसने उसको पकड़ के पीछे मतलब ऐसे धक्का दिया और वो जाके दीवार में लगा है, सीढ़ियों के जो स्टेयर केस की जो एक कनेक्टिंग दीवार होती है जो आपसे टर्न करते हैं वहाँ जाके लगा है, उसका सर पटा है और वो खूनम खून हो के नीचे आके गिरा है। और वो जो आया तो उसने धाड़े मारनी शुरू कर दी हैं और वहाँ वो मामू थे वो बाहर आए मतलब सहन में गिरा हुआ था, उसको फौरन उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई और उसको ले गए। तो उसने फिर हॉस्पिटल में वो बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, और इन्हें कहें उनका नाम मसूद था कि इनको कहें मियाँ साहब, मियाँ साहब सराकी में कहते हैं ना इसे मियाँ साहब, मियाँ साहब को आँखों इतना चले वजन और ना छुड़े सी, वो जी ना जी छुड़े सी वो मार छुड़े सी ना को। तो वो ये क्या उसने कहा कि मैं तो अब यहाँ नहीं जाऊँगा वापस, तो वो उसके बाद हॉस्पिटल रहा, उसके बाद चला गया होगा अपने गांव। तो ऐसे लोग ये भला कि वो ज़मीनों के लड़के होते हैं आपको पता है, ये लोग
मुजारे वगैरह ये छोड़ते नहीं हैं अपने अपने मालकान को, लेकिन वो इतने थ्रेट से वो इतना ज़्यादा उसको हुआ कि वो जो ना वो छोड़ के चला गया। तो फिर जब उसके बाद थोड़े से मामू जो है मेरे वो थोड़े से अवेयर हुए, थोड़ा सा उनको फील हुआ कि मतलब ऐसे जो है ना कुछ चीज़ चल रही है और ये जो हुआ वाकया इसमें कोई सच्चाई है सर, कोई ऐसा तो नहीं फट जाता, और वो कस्में खा के कह रहा है कि मियाँ साहब को आँखों कि तू चले वजन इन आवाज़ से ठीक है नहीं। तो वो उनने मौलवी को वहाँ बुलवाया, वहाँ मौलवी साहब से कोई उनको बुलवाया, तो उनके उन्हें कहा कि जो है ना आप ज़रा देखें कि ये क्या मामला है, मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे दोस्त वगैरह आते हैं उस वक्त ठीक होता है। नीचे उन्होंने मुझे कभी ऐसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे ये वहाँ से जो है ना थ्रेट्स मिल रहे हैं, मतलब वार्निंग्स मिल रही हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं क्या करूँगा आप देखें। तो वो जब उन्होंने आए और सीढ़ियों पर जब उन्होंने पहले से दूसरा कदम रखा ना, तो उसी वक्त वो पलट के वापस हो गए मौली साहब जो थे, आलिम जो थे। तो वो जो इलम एक तो आलिम होता है ना, जो मुफ्ती या आलिम होते हैं, एक जो आपको पता आलिम होता है जो अमल करने वाला होता है, आमिल। तो वो वापस आके जो है ना वो वहाँ उन्होंने कहा कि देखें मसूर साहब सरायकी में उन्होंने कहा कि इतों चले वनो ये जड़ी उतें है ना ये है जिन्नी तो जिनी जड़ी है ना ये इन्हें इतनी ख़तरनाक है, इन्हें को अपने इन्हें गुलाम बनाए, मतलब इसने अपने जो आगे इसने दो जिन को अपने अंदर वहाँ ऊपर कैद किया हुआ है अपने जिनों को, और इतनी इतनी ख़तरनाक और इतनी ब्रूटल, मतलब उर्दू में जो भी कहा होगा मतलब सरायकी में कि इतनी ख़तरनाक खूनखार है कि ये मतलब मारने से कम बात नहीं करेगी, आप यहाँ से चले जाएँ, इसलिए कि मैंने दूसरा कदम रखा है तो मुझे इतनी ज़बरदस्त वाई वाई और इतनी ज़बरदस्त वो ये वॉर्न आया कि मैं वहाँ से ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ पढ़ सकता। तो वो अपनी जगह पे किसी को जो है ना रहने नहीं देगी। तो वो ये कह के उन्होंने कहा जी मैं आपको कह सकता हूँ आगे आपकी मर्जी है, लेकिन आपका रहना यहाँ खतरा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो ये उन्हें कहा और जो है ना वो चले गए। एक दिन गुजरा तो वो आप यकीन करें कि वो मोहल्ला गवाह है जो वो जगह थी कि उसके उस अगली रात को इतनी ज़ोर से थ्रोटल की तरह आवाज़ आई है कि तू चला जा यहाँ से। वो पूरा घर जिस तरह वाइब्रेट नहीं करता, जिस तरह एक अर्थक्वेक के साथ वो ऐसे शेक हुआ है, और मतलब वो मामू ने मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे कमरे हिले हैं मेरे और खिड़कियाँ हिली और मुझे आवाज़ आई कि मतलब तू चला जा वहाँ से वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये एक अगली रात को ये वाकया पेश आया, और साथ वाले जो आस जो कॉर्नर का घर था उसके साथ वाला जो घर था नेक्स्ट वो उस बात के गवाह हैं कि उनकी तक जो है ना वो थराहट के साथ जो थंडरिंग वॉइस होती है ना वो आई। सही। उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं एक आध दिन में यहाँ से मतलब चला गया इसलिए चला जाऊँगा। तो उसकी जो नेक्स्ट उसी गली के आखिर में मेरी नाना का घर है, तो वहाँ मेरी खाला भी रहती हैं और उनका बेटा भी रहता है जो उनके पास रात को कभी रात को जाके ना वो 18-19-22 साल का लड़का है तो वो उनके पास जाके मामू के पास जाके कंपनी करता था, बैठ जाता था, ये वो स्मोकिंग वगैरह करनी है वो आके लेट नाइट वो करके आ जाना उसने ना। तो उससे अगली रात को वो उस मुझे तकरीबन 3-4 बजे वो ऐसे उठ के जो है ना 4-1 बजे वहाँ गया मेरे मामू के पास। तो दरवाजे जो उनका होता था एक चटखनी ऐसी होती थी जिसको खोलने का सारों को पता होता था कि जो खास लोग हैं कि कैसे खोलने, तो खोल के जब अंदर गया तो मैंने आज विल यू बिलीव कि मेरे मामू जो हैं वो सोफे पे बैठे हुए अकड़े हुए पीले हुए हुए, टांगे उनकी सबस थी, मुंह उनका पीला था और वो उनकी वफात हो चुकी थी और वो बिल्कुल पत्थर की तरह साकित थे, पत्थर की तरह आंखें उनकी बिल्कुल खुली हुई थी, मुंह और मतलब दांतों के नीचे उनकी जबान थी, जो इसलिए कि उनकी जो डेड बॉडी सारों ने देखी ना तो जबान उनके दांतों के नीचे थी और वो अकड़े हुए थे जैसे उनको जो किसी ने मतलब इस तरह आके उनकी रूह जैसे कब्ज नहीं कर लेते, और कोई उनकी वो जब ये नहीं कि हार्ट फेलियर हो तो कोई क्रॉल किया हो कुछ किया हो, तैयार हुए बैठे हुए शलवार कमीज पहनी हुई है वेस्ट कोट पहनी हुई है,
उन्होंने LED चलाया हुआ है, मूवी कोई देख रहे होंगे जो भी था, लेकिन वो वहाँ बैठे हुए, उनकी आंखें खुली हुई हैं सकते में, जैसे कोई चीज़ देख के बंदा रूह कब्ज होती है। और ऐसे जो है ना सोफे के एक साइड पे गिरे हुए, उसने जो है ना उसी वक्त अपने जो है मेरे जो बड़े मामू हैं उनको मेरे मतलब कॉल की, वीडियो कॉल की व्हाट्सएप पे कि मामू की डेथ हो गई है और ये उनकी बॉडी की कंडीशन है। उन्होंने व्हाट्सएप पे उनको पिक्चर, बल्कि कल ही मेरी बात हो रही थी मेरे जो कज़न है, उसने कहा कि मैं सऊदी अरब में बैठा था, मुझे उसने वहाँ व्हाट्सएप कॉल करके दिखाई कि ये मैं आया हूँ। आप बता ना, लोग डरते हैं कि जी कोई इल्ज़ाम ना आ जाए, कुछ ना आ जाए कि मेरे साथ कोई, मैं गया हूँ तो आगे डेड बॉडी है। उसने कहा ये देखें ये हालत है, ये अकड़े हुए, कहते मैं देख के मेरी कहता मैं साकित हो गया। मेरे कज़न कहते हैं मेरे मामू तो वो जो जिनके देख के दिखाया था वो भी फौत हो चुके हैं, तो वो जो मेरे कज़न है कहते मैंने उनको देखा तो यार अरसलान उनकी आंखें ऐसी थी जैसा पत्थर की होती हैं और मुंह से पीला था और जो हाथ और पांव से बिल्कुल सब्ज थे। तो वो जो है ना ये वाकया हुआ और फिर वहाँ से उनकी जो मतलब डेड बॉडी को गया, उनका पोस्टमार्टम हुआ तो एक फॉर्मेलिटी होती है चेक किया। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी रीज़न नहीं है, मतलब नहीं कि हार्ट कार्डिक अरेस्ट का या कोई हार्ट फेलियर या कोई इस तरह की चीज़, कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ ये हुआ कि मतलब सीम्स लाइक कि ही वाज इन शॉक, कुछ हुआ कोई ऐसी चीज़ उन्होंने देख ली जिसकी वजह से उनको वो खौफ के मारे एग्जैक्टली खौफ के मारे वो मतलब वो अगला सांस ले नहीं सके। और जो है ना उसके बाद उनकी तदफीन हुई और वो घर उसके बाद फिर अभी मतलब फॉर सेल रखा हुआ है, लेकिन उसको कोई मतलब उसकी इस वजह से वहाँ रहने को कोई तैयार ही नहीं। अब वो ये भी भावलपुर में ही है घर? जी भावलपुर में ही है, मेरे मतलब एक कोने की स्ट्रीट में एक कॉर्नर पे मेरे नाना का घर है और एक कॉर्नर में मेरे जो मामू हैं उनका घर है, जो रियल ओनर थे और ये थे उनके फर्स्ट कज़न मेरे रिश्ते में मामू थे जो वहाँ रह रहे थे कुछ अरसे के लिए, 2-4-6 महीने के लिए, कि मैं अपना केस प्रॉपर्टी का था उसको मैं सॉर्ट आउट करके वहाँ से आ जाऊँगा, तो वो घर की चाबियाँ लेके यहाँ से गए थे। तो वो अभी तक वो डिमोलिश करने के लिए पड़ा हो कि इसको डिमोलिश कर देंगे, मतलब इसका और कोई इलाज है ही नहीं कि प्लॉट की सूरत में कोई ले ले तो ले ले। तो ये क्यों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब ये मेरी फैमिली के अंदर इमीडिएट, ये 2020 की बात है फरवरी की ये वाक्य जो हुआ था। और दूसरा मेरा जी मैंने आपको शेयर करना था, मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है वो ही लिव्स इन भावलपुर, बेसिकली सॉरी चाइल्डहुड मेरी भावलपुर में गुजरी है, तो वो भी वहीं है, वो मेरे मामू का दामाद भी है बेसिकली। तो वो एक दफ़ा जी वो बेसिकली उस ज़माने में आपको याद हो कि गाड़ियाँ जो आती थी वो कराची पोर्ट पे रिकंडीशन गाड़ियाँ आती थी जापान से, तो वो कराची से लोग मतलब लेने जाते थे और वहाँ से फिर लोड करवा के जो जिन इलाकों में होता था या ट्रक जो है ना चला के लाया करते थे। तो वो उस ज़माने में जो है ना वो नई आई एम टॉकिंग अबाउट 88, तो ये FX आई थी आपको याद होगा बड़ी इसकी जापनीज मॉडल जो आया था लास्ट, तो वो आई तो वो उसने वो बुक कराई थी उसने, तो कराची से लेने गया, यहाँ से वो गया अपने ट्रेन पे और वहाँ कराची से उसने वो उठाई गाड़ी, उसने मतलब ही इज़ वेरी गुड ड्राइवर, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता है, तो उसने कहा कि मैं यहाँ से उसको लोड कराऊँ तो मैं खुद अपना ड्राइव करके ले जाऊँगा, तो कोई मसला नहीं है, ड्राइव भी हो जाएगी, नई गाड़ी है अपना कोई मसला नहीं है। तो उसने जो है ना वहाँ से मतलब होता है वहाँ से वो रवाना हुआ सुबह के टाइम, अब मुझे एग्जैक्ट वो जगह याद नहीं है, लेकिन हैदराबाद क्रॉस किया सखर से थोड़ा पहले एक जगह है मिराज, उस गांव का मुझे नाम है फॉरगेटिंग, लेकिन वो वहाँ की कोई मस्जिद भी बड़ी मशहूर है वहाँ की ना, वही एक बहुत कराची के वो जो सकर से थोड़ा पहले एक मस्जिद है बड़ी आर्टिस्टिक है बहुत पुरानी है, कहते हैं अकबर के दौर की है, उससे थोड़ा पहले गांव आता है। तो उस रोड पे वो सर्दियों के दिन थे, दिसंबर की बात है, तो वो जो है ना पहले रुका तो उसने वहाँ चाय शाय पीने के लिए अकेला था, ही वॉज ऑल अलोन, तो ढाबे पर रुका तो उन्होंने कहा जी चाय पीते पीते, उन्होंने कहा जी कहाँ जा रहे हो, उसने कहा जी मैं भावलपुर जा रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आपका तो अभी तकरीबन 12 घंटे का 8-9 घंटे का सफ़र है,
तो बेहतर है कि रात को ट्रैवल ना करें। उस ज़माने में आपको पता है डाकू शाकू ये वाला बड़ा मामला भी होता था, तो रोड ऐसी थी। तो उन्होंने कहा एक जगह ऐसी है कि आप जो है ना यहाँ रात को ट्रैवल ना करें। उसने कहा क्या हो गया ऐसी बात? कहते यहाँ एक आगे रोड है, वहाँ एक गांव है, उसके पास कहते हैं कि एक जो है ना रात को एक औरत जो है ना लिटरली दुल्हन के रूप में रोड के ऊपर खड़ी होती है और वो रोकती है बंदों को, और कोई अगर उसके कहने पे मतलब वहाँ हाथ रोकती है, रुकती है, अगर जो रुक जाए तो वो उसके बाद वो ऐसा हुआ है कि वो बंदा आज तक कभी नहीं मिला। अच्छा तो जी, वो अगर वो रुक गया दुल्हन के रूप में रोड के आसपास, सिंगल रोड थी ज़माने में, कहते वो रोड जंगल आसपास दोनों साइड पे जंगल है और वो मतलब इससे उस रोड पे खड़ी हुई रोकती है और बहुत ही खूबसूरत होती है, और वो जो रोकती है इस तरह से कि वो मतलब आपको होता है कि वो मतलब आप रोक लें, उसकी मदद कर लें या कोई परेशान, तो बेहतर यह है कि आप रात को ट्रैवल ना करें तो सुबह चले जाएँ, यहाँ आप यहाँ साथ जगह देख लें, कोई सराय देख लें कोई, या कोई यहीं चार पाई डाल के सोचें, लेकिन हम आपको कहते हैं कि ना जाएँ। उसने कहा ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी नानियाँ दादियाँ सुनाती थी और ये बातें, कहते यार छोड़ो ये जो है ना हमने इंडियन फिल्मों में देखा है और इस तरह देखा है उस तरह देखा है, तो ये उसने उसको कहा कि यार मैंने पहुँचना है जाना है, मैं रुकूंगा नहीं, होगा तो देखा जाएगा। कहता है मजाक में कहता है अगर मिल जाएगी दुल्हन तो हम भी दूल्हा बनने को तैयार है, हंसने लग गए। तो खुद ही बता रहा हूँ। तो वहाँ से वो चल पड़े भाईजान, वहाँ से जब कहते हैं कि वो उसने मुझे सारा वाक्य खुद बताया, वो कहता है कि जब मैं कहता रात के तकरीबन मसलान तकरीबन रात के 1:30 या 2:15 का टाइम था, मैंने कहा सुबह तक मैं भावलपुर पहुँच जाऊँगा, कहते 1:30 के 1:45 बिल्कुल फॉग थी, आपको पता है वहाँ फॉग कैसे होती है इन इलाकों में, तो कहते बिल्कुल फॉग थी, तो कहते मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरी हेडलाइट्स मैंने ऑन की फुल की हुई थी, तो वो पिस्टल वगैरह अपने साथ रखता था, लाइसेंस पिस्टल उसके पास होता था हमेशा, तो वो उसने जो है ना कहते सामने मैंने एक दफ़ा कहते मैंने जो स्पीड में जा रहा था 100 के करीब 90 100, कहते मैंने जो लाइट्स मेरी सामने पड़ी है ना, तो लिटरली कहता है कि दरख्त के एक कोने पे ऐसे सर झुकाए ऐसे करके एक लाल कपड़ों के अंदर एक खूबसूरत दुल्हन खड़ी हुई है, उसका हाथ मेरे आगे गाड़ी के आगे उसने मतलब वो इशारे कर रही है और यूँ यूँ कर रही है मेरी मदद करो, इस तरह करके ना इस तरह वेव कर रही है यूँ यूँ करके, जरा परेशान होती है कि मुझे मदद करो। कहते एक दिल तो मैंने जब देखा तो कहते मेरी टांगें मतलब क्लच पे और एक्सीलेटर पे जो है ना ऐसे कांपने लग गई कि मैं अभी ब्रेक लगाऊं या मैं निकलूं, कहता मुझे समझ नहीं आ रही थी और मेरे पास सीने छूट गए कि मैं इसका क्या करूं, और कहता वो चलती चलती रोड के दरमियान में आ गई, कहता मैं अब जबर वो मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर से गुजारूं तो ये अगर इंसान की बच्ची हो तो मेरे पे तो हो जाएगा 302 kg बंदे को नीचे दे दिया इसने जानबूझ के, और मतलब अगर रोकता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो फिर उसने कहा कि मैंने अल्लाह के नाम लेके कहा कि ये लोग जो कह रहे हैं और मतलब यहाँ है मुझे अब मतलब ऐसी मौत से बेहतर है कि मैं कुछ फेस करके मतलब मेरे पास कोई और भी तो होगा कि रात को मेरे सामने कोई आ गया तो मैं कैसे ब्रेक लगाता डर गया था। कहते मैंने इस पे करके ना मैंने फुल स्पीड दे दी, कहता है कि मैंने जब दी है तो आप लिटरली वो आके ऐसे धुएं की तरह मेरे जो है ना वो आके विंडस्क्रीन पर लगी है और जो है ना वो मैं गाड़ी कहता हूँ मैं 100 क्या जितनी एक एफएक्स भाग सकती है, कहता हूँ मैं 110 भी ले गई हूँ, और वो मैं यूँ देखूँ तो वो मेरी शीशे के साथ साथ उसकी वो मतलब चल रही है और उसकी एकदम से शक्ल बदल गई और जो है ना वो ऐसे जैसा गाड़ी के ऊपर चिमड़ जाती है ना ऐसे चिपक जाती है, कहती ऐसे करके वो मेरी साइड मिरर से और ऊपर से मुझे देख रही है और उसकी मतलब आँखें और ऐसे थी कि लाल सुरख और जो है ना उसके बाल ऐसे गिरे हुए और मेरे साथ वो गाड़ी का चिपकी हुई है और जो है ना ऐसे स्क्रैच कर रही है किस तरह खोल रही है मतलब कि खोल तू खोल ये बोल रही है खोल ऐसे भारी आवाज़ के साथ। कहते मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ मैं भगाता गया गाड़ी, मैंने कहा अच्छा आज मतलब जहाँ लगती है गाड़ी लेकिन मैं ऐसी मौत नहीं मरूँगा। तो मिराज थोड़े वो जो एक डायमीटर होता है जब एक होते एक जगह होती है, कहते उस जगह मैंने क्रॉस किया, क्रॉस करते ही जो है ना वो एकदम से झपका सा हुआ है और गाड़ी मेरी हल्की हो गई है और वो गायब हो गई।
उस जगह की जो जैसे ही मैंने वो कोई लिमिट थी जो भी एरिया था उसको क्रॉस किया तो शी वॉज नॉट एनीवेयर। कहते हैं उसके बाद मेरे मतलब मैं वहाँ से निकला हूँ तो आगे जाके मतलब तकरीबन 2-4 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर के बाद मुझे होटल नज़र आया जो छोटा एक गांव था जो 2 कमरों का होटल जैसा होता है, वहाँ जाके मैं रुका हूँ। तो वहाँ जाके मैं मतलब उल्टियाँ करता हुआ और मैं मतलब ऐसे गिरा हूँ गाड़ी से नीचे गिरा हूँ, वहाँ जो चौकीदार खड़ा था रात के वक्त जो होता है वो मुझे आया, उसने घसीट के मुझे गाड़ी लॉक के मुझे अंदर ले गया, कम जाके मुझे अंदर लिटाया सोफे के ऊपर, मुझे पानी छानी पिलाया। तो कहता है उससे पूछा कि क्या हुआ आपके, वहाँ स्टाफ भी आ गया छोटा मोटा होटल का होता है आपको पता ही हो जो लोकल ने क्या, उसने कि मैं सारा वाकया कहता मैंने बताया। तो कहते हैं जनाब आपने आप अल्लाह के बंदे बहुत लगी हैं और आप जो है ना बच गए हैं कि आप उनको उसके हत्थे नहीं चढ़े। कहते वो उसने पता नहीं कितने मर्दों को वो खा चुकी है, मतलब उनको उसका पता ही नहीं कि उसने क्या, वो बंदे गए किधर, आज तक किसी का कोई सुराग नहीं मिला। वहाँ सर्च ऑपरेशन भी हुए हैं, वहाँ कुछ भी हुआ है, अभी भी कोई मतलब गाड़ी समेत गायब हो जाते हैं या गाड़ियां मिल जाती नहीं, हैं? नहीं, गाड़ियां गाड़ियां गाड़ी कोई जो भी सवारी सवारी वहीं होती थी, मतलब सारी सवारी उस जगह पे मौजूद होती थी एज इट इज, लेकिन वो बंदा कभी भी नहीं मिला, कभी उसकी कोई चीज़ गायब नहीं हुई, कोई उसकी कोई कीमती चीज़ गायब नहीं, कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई डकैती इस तरह की कोई चीज़ नहीं। वो बंदा और मर्द कहते कभी औरत तो रात को आपको पता ट्रैवल करती नहीं, फैमिलीज होती है तो कभी उसने छेड़ा नहीं, मर्द अगर हों एक हो चार हो तीन हो कहते मतलब यहाँ सैकड़ों इस तरह हुए हैं और ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसकी वजह यह है कि ये जो हुआ ये था कि ये औरत मतलब ये कहते हैं हिंदुओं के दौर में या हिंदू आबाद थे, आपको पता है उस ठट्ठा और चजावल आस पास कितने हिंदू की आबादी है, वो काश्तकारी और सारा उनके पास है वहाँ। तो वहाँ कहते वहाँ एक हिंदू फैमिली थी, पंडित फैमिली थी, उसमें जो है ना उस औरत लड़की थी उनकी एक जवान, ये लड़की जिसका ये वाकया बता रहे हैं वो उसने एक मुसलमान लड़के के साथ शादी कर ली थी और वो गांव छोड़ के वहाँ एक उस जगह पे आगे कहते आप अगर आप वहाँ जाएं तो आगे जो है ना जंगलों के अंदर मतलब जंगल के अंदर एक छोटा सा एक घरौंदा सा एक घर है जो पत्थर पत्थर का बना हुआ है, कहते वहाँ उन्होंने जो है जाके छुप के पनाह ले ली थी। तो वहाँ उसके जो पंडित था वो अपने बंदों के साथ आया, उसने उनको वेडिंग नाइट पे ही मतलब उस रात वहाँ रह रहे थे वहीं थे, तो उस रात को उनको डंडों छुरों से और उनकी जो कृपाने होती हैं उससे उनको जो है ना दोनों मियां बीवी को मतलब मार दिया था। या लड़की की फैमिली ने या लड़की की फैमिली ने भी मार दिया होगा, हो सकता है। जी जी वो दोनों मिल के ही आए ना कि ये मिलाप हो नहीं सकता, हम पंडित हैं और ये मुसल्ली, आपको पता है उनके दिमाग में क्या होता है इन पंडितों के, तो ये दोनों की होता है। यहाँ उन्होंने कहा कि जी इधर से ये होता है उधर से कहा कि ये होता है, तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने अपने अपने लड़के को मारा, उन्होंने अपनी लड़की को मार दिया। कहते हैं वो दिन इस बात को मतलब बिफोर पार्टीशन है, कहते हैं ये वाकयात गाहे बगाहे होते रहते हैं, ये औरत जो है ना उसको जब उसकी जो है वो अपना पत्नी रिवेंज ले रही है, बदला ले रही है, जो भी कर रही है, उसने यहाँ से जो उसके मर्द हाथ आया है वो जो है उसको जो है ना वो उस जो उसका खामन था उसका कभी नहीं देखा गया, उसकी डेड बॉडी मुसलमान था जो उनके कायद हुआ आपको पता है मुसलमानों के जो है वो उसमें इसने मर्दों को कभी नहीं छोड़ा, ये आती है साल में 4-6 दफ़ा जब भी कभी इसके हत्थे चढ़ा है कोई रुका है, जो रुका है लालच में आपको पता नहीं औरत को देख के आप जो प्रॉब्लम होती हैं जो चीज़ें होती हैं जो उस ईगर में या उस अर्ज में या उस ऑब्सेशन में रुका है तो जो है ना वो कभी भी वापस नहीं आया। वो तो कहता है मेरा दोस्त कहता है मैंने यह सुना सारी रात, कहता मैं बुखार में तड़पता रहा, कहते मैं ड्राइव करने के काबिल नहीं था, मैंने वहाँ से लोकल उस ज़माने में मोबाइल से आपको पता नहीं थे तो होटल से मैंने कॉल की अपने वाले साहब को, इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी वहाँ की भावलपुर की एमपी वगैरह उसका बाप, तो उसने जो है ना वहाँ से बंदे भेजे वहाँ पहुँचा उसको वो गाड़ी समेत फिर वहाँ से ट्रैवल करा के भावलपुर लेके आए। कहते मतलब ये बताया उसने कि वो आज तक मुझे बताता था, कहता कि मैं और बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी जो है हालत ऐसी होती है कि मेरा उसकी शक्ल में आज भूल नहीं सकता, और ख़ास तौर पर जब वो मेरी गाड़ी के पे आगे चिपक गई थी और ऐसे था कि उसकी आंखें नीचे गिर जाएंगी और उसके नाखून जो है ना
मतलब उसके जो बाल थे और बिल्कुल वो मुझे मतलब ऐसा था कि जैसे मेरा खून जब खून चूस लेगी मुझे, मेरी रूह रूह खींच लेगी मुझसे। ओके तो चलें, ये चीज़ मतलब मैंने कहा आपको शेयर कर लूँ, ये मुझे याद आई थी तो मैंने कहा कि आपको बताऊँ, आप बाकी जो व्यूअर्स हैं जो साथ शेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग है ये। और मामू के लिए तो खैर थैंक यू वेरी मच, बाकी सुन रहे हैं बिल्कुल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। जैसे हमारे ये कॉलर थे अरसलान, इन्होंने अपने मामू का वाकया बताया। आप लोगों को याद होगा कि मैंने भी अपने एक मेरी वालदा के जो छोटे मामू थे उनके साथ भी कुछ सिमिलर वाकया इसी तरह का पेश आया था, वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करने वाला, डोंट वरी। खैर जी, तकरीबन 1 घंटे 3 मिनट की स्ट्रीम हो चुकी है, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं सब अपने हाजिरी लगाना शुरू करें, देखते हैं कि कौन कौन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। शानजू थैंक यू सो मच, जैन आपका भी शुक्रिया, डार्क नाइट थैंक यू, हूरिया आपका शुक्रिया, आफान थैंक यू, समरा एंड तहा रहमान थैंक यू सो मच, समी खान आपका भी शुक्रिया, एंड जर्निश थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, राबिया आपका भी शुक्रिया, कमल थैंक यू, आपका नाम और मेरी लेट बहन का नाम भी कमल ही था। सारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिले हुसैन फ्रॉम लाहौर थैंक यू सो मच, शाहिद फ्रॉम आपका मैसेज आगे पीछे हो गया, मेहर थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीब अली ताहिर रोशन एंड इम्प्रेशंस आपका भी शुक्रिया, सना उमर थैंक यू, उमर बिन अदनान आपका भी शुक्रिया, एंड सीमा इलाही तूबा ज़ुबैर एंड मोहम्मद नसर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, और जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हुए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेंबर्स भी एक एक करके ज्वाइन इन करना शुरू कर देंगे तो हम उनके भी नाम शामिल करेंगे। आई थिंक हसीब ने हमारे ज्वाइन कर लिया, हसीब हमारे मेंबर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हसीब, वेलकम टू दिस शो। चलें जी, चूँकि आज अब तकरीबन 1.25 घंटे का शो हमने रेडियो फॉर्मेट कर लिया तो अब हम अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अब मुझे लग रहा है कि ये जो ईमेल में शामिल करने वाला हूँ ये शायद 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 पुरानी है, मतलब इसको हमने पहले भी अपने शो में शामिल किया हुआ है ये मुझे लग रहा है। अगर ऐसा होगा तो माजरत, वरना समझिए कि एक नई ईमेल है। हमारा लास्ट घर जो रेंटल था हम उसमें 6 साल तक रहे जबकि हमें सिर्फ वहां कुछ महीने ही रहना था। हुआ ये था कि हम इमरजेंसी में टेम्प्ररी तौर पर उस घर में शिफ्ट हुए थे और सोचा था कि नया घर ढूंढ के वहां शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो घर बहुत ही खस्ता हाल था। हम जब भी घर चेंज करने की कोशिश करते तो कुछ ना कुछ हो जाता और घर तब्दील ना हो पाता। दिया हुआ एडवांस वापस आ गया, वो भी 2-3 बार। इन सब में 2 साल गुजर गए। अब उस घर की छत की बुनियाद में दरारें पड़ चुकी थी 2012 में जो झटके आए थे उनकी वजह से। अब तो हमारी नींदें उड़ गई मगर हम घर ढूंढने में कामयाब नहीं हो रहे थे। माजरत, नेबर्स में बिल्कुल साथ ही घर में अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त रहा करती थी। उनकी वालदा जिनको हम नानी कहते थे वो अक्सर कहती थी कि हमारे और आपके घर में वो लोग रहते हैं, उनके 3-4 खानदान हैं, उनके कद बिल्कुल छोटे हैं जैसे बोने और काले चोगे पहनते हैं और वो आप लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि आपकी छोटी सी फैमिली है, घर साफ सुथरा रखते हैं और आपको इस वजह से
घर नहीं मिल रहा, और एज यूजुअल हम उन बातों का यकीन नहीं करते थे। जब मैं फजर की नमाज पढ़ती तो ऐसा लगता कि छत पे कोई भारी चीज घसीट रहा है, मगर दिल की बात बताऊं तो छत पे कोई चीज रखी हुई नहीं थी। हमारे मालिक मकान कहती थी कि इन लोगों को जो पसंद आते हैं उनको उठने नहीं देते, और जो पसंद आते हैं उनको जाने नहीं देते। उस वक्त हम मालिक मकान खाला की बात पर हंस रहे थे, लेकिन अब तो काफी साल हो गए, हमें कोई और घर नहीं मिल रहा था, और शायद उनकी ये बात दुरुस्त भी थी। उस घर में अम्मी को अक्सर कोई गहरी नींद से पांव को झंझोर कर जगा देता था। हम यकीन नहीं करते थे, फिर अम्मी ने कहा कि रात को किसी ने मेरे हाथ पर बाइट किया है, जिसके निशानात भी हमें दिखते थे। अब 6 साल हो गए हैं, घर की बरामदे की दीवार भी गिर गई है और भाई तक इंजर्ड होते होते बचा। इस बार नाना आदि फैमिली को लेकर बैरून मुल्क चले गए, और पीछे पोर्शन में हमारे ऑफर की रहने की। ऑफर बहुत अच्छी थी, जैसे दुआ कबूल हुई हो। 6 साल की जद्दोजहद के बाद सब कुछ ठीक हो गया। पिछले पोर्शन में बचा कुचा रेनोवेशन का काम भी शुरू हो गया, और अचानक मेरे वालिद ने चेंज ऑफ माइंड शो किया। अजीब बात करने लगे कि लोग कहेंगे ससुराल के घर में रह रहे वगैरह वगैरह, हालांकि हम लोग रेंट दे रहे थे कि इज्जत नफ्स मजरू ना हो, लेकिन उस खंडर घर से निकलना था। ये बुरी खबर अम्मी ने सुबह सुबह दी। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, वो भी बहुत परेशान थी। मैं कॉलेज से वापस आई और नमाज इस्तखारा कर रही थी। फिर तकरीबन रात के 11:30 बजे घर के मेन स्विच को अचानक बहुत बुरी आग लगी कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। अगले दिन मामू आए और बाबा को बोला कि मैं बाकी सारी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ, आपको अगर आना है तो आ जाए वरना ना आए। बस फिर बाबा भी आ गए और 2 दिन मामू के घर में रहे जब तक रेनोवेशन मुकम्मल नहीं हुई। इस्तिखारे ने मुझे ये मौजा दिखाया। हमारे बाद उस घर में एक फैमिली आई जिनको उठते बैठते जिंद दिखते थे, उनको चलते फिरते धक्के लगते थे, किसी की शक्ल में वो नजर आते थे। उनकी एक बहन पर बहुत बुरे असरात हो गए थे, वो लोग 20 दिन भी उस घर में ना टिक पाए, घर छोड़कर उनको भागना पड़ा। ऑलराइट, चलें जी, आप लोग भी हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, अपने वाकयात हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो कि YouTube चैट पे मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने वाकयात हमें WhatsApp करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं 03111577846 पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। इल्यूमिनेशन ने हमें दोबारा ज्वाइन इन किया है और उम्मीद करते हैं कि इनको अब हमारी आवाज आ रही हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किधर से ज्वाइन किया सर आपने? मिनाज भाई, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। क्रिस्टल क्लियर ना? बिल्कुल जी सर, क्या बात है? मिनाज भाई, वाकई तो बहुत सारे हैं, बट ये है कि बचपन से बस शो सुनता हुआ आ रहा हूँ आपका, और ये दूसरी दफा मैंने कह किया है, तो आई एम जस्ट अ लिटिल बिट एक्साइटेड और थोड़े से नर्वस। नहीं नहीं, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चलो जान लगा के वाकया बता दे। मैं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करता रहता हूं अंग्रेजों के साथ, लेकिन आज बड़ा नर्वस हूं भाई, बड़ा इंटीमेट आपके साथ एक रिश्ता रहा है बचपन से, और मैं खैर तब अभी बड़ा नहीं हूं, जेन जी में शामिल होता हूं, बट बहुत बहुत डीप यादें हैं आपके साथ। और मिजाज भाई, थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा इफ यू डोंट माइंड। आई विल माइंड, मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले। कहानी की तरफ आते हैं। कहानी की तरफ आते हैं, अच्छा ठीक है। मिनाज भाई, थोड़ी सी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं और मैंने इनको कभी फोकस नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में ना।
बड़ा पता है बहुत टाइम लगता है इंसान को ये सारी चीजें जानते हुए, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं किसी तरीके से रिवील करूं, मेरे थोड़े से मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा, आई यूज्ड टू मैं बहुत अरसे से आपका ना प्रोग्राम सुनता हुआ आ रहा था, मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करता था और ये सारी चीजें हैं, और मतलब मुझे अच्छी लगती थी, बट मैं बिलीव भी करता था, बट मैं इतना ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने इस शो को जब सीरियस लिया, आई यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब बाइकिया हो गया, करीम हो गया, ये सब, मैं मेरी अपनी कोई पर्सनल कन्वेंस नहीं है, और एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो वहां पे एक मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, मेरा सफर बड़ा अच्छा गुजरता। तो वहां पे एक साहब मुझे मैं उनके साथ मैं सफर कर रहा था, और वो एक पर्टिकुलर मतलब एक रिलीजियस माइंडसेट के साथ थे, और उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू की कि यार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इम्तियाज स्टोर में मैं काम करता था, और फिर क्या कहते हैं मेरे साथ वो जिनों की किस्में भी बता रहे थे। अब मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इस मामले में, तो ये जिन होते हैं, और फिर मैंने अपना इलाज इस तरीके से कराया कि जो नाज़िमाबाद वाला ज़ियाउद्दीन है ना जी जी, उसकी तरफ उन्होंने कुछ बताया कि इस तरफ जाके एक शाह साहब होते हैं और उन्होंने मेरा इलाज किया, आप भी मेरे साथ चलिएगा, आपको मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ नजर आ रही हैं, तो मैं सैटरडे को आपको ले जाऊंगा। अच्छा, मैं बिलीव नहीं करता, तो मैंने ठीक है, मैंने अनसुनी कर दी। कुछ टाइम पहले तक, मतलब एक डेढ़ महीने पहले तक, मतलब आई वॉज लिसनिंग टू योर स्ट्रीम, और एग्जैक्टली मतलब मैंने एक वाक्य सुना कि किसी लड़की के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसके साथ बड़ी इश्यूज हो गए थे, एंड उसने सेम वही लोकेशन बताई, ज़ियाउद्दीन, मतलब I'm nervous, कि वो शाह साहब होते हैं और मैं वहां गई और उनके बेटे होते हैं, तो मैं आई वॉज एस्टोनिश्ड, यार मतलब ये क्या है। अच्छा खैर, इट्स जस्ट वन, ठीक है, ये तो किसी और का था। अब मैं कुछ मेरे अपने साथ कुछ पर्सनल ऐसे वाकयात हैं जो कि मैं शेयर करने लगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ना, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हॉरर एस्पेक्ट नहीं है, थोड़ा सा लेकिन डीप है, अगर आप थोड़ा सा अगर आप फोकस के साथ सुने। इट्स अबाउट माय थर्ड ब्रदर, ठीक है, मैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करूँगा, एंड इट्स वेरी पर्सनल। सही, मेरी जो मदर है ना वो है बाइपोलर, ठीक है, और मेरी जो नानी थी वो भी बाइपोलर थी, और मेरे जो भाई हैं वो भी बाइपोलर, मेरा साइकेट जिनका आप तीसरे नंबर के भाई, हाँ तीसरे हैं, उनकी एज ये होगी कि अब समझे अभी उन्होंने मैटर किया। सही, ठीक है। अब मैं, मेरी एक उम्र गुजर गई साइकेट्रिस्ट के साथ बैठ बैठ के रिहैब जाके, मैंने मेरा दिमाग कभी इस तरफ नहीं गया। सिम्टम्स मैं पूछता था और मैंने इसको स्टडी करता था, तो उसमें ये होता था कि खुद को कुछ समझते हैं, कभी कभार इनके कान में आवाज़ें भी आ जाती हैं, कभी कभार इनको लोग भी दिख सकते हैं, ये सारी बीमारियों के एलिमेंट्स हैं। आई यूज टू एक्सेप्ट दैट, आई एम सॉरी, बट हुआ ये कि आज में मेरी सोच इस तरीके से पलटी कि मेरे खानदान में ना काफ़ी इशूज चल रहे थे जायदाद के। अब मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, प्री कोविड पीरियड, कोविड से पहले, जब से मैंने इस चीज़ को फोकस करना शुरू किया। तो मेरे एक दफ़ा मामू आते हैं और बहुत अच्छे टर्म्स हैं हमारे सबके साथ, आज भी पहले भी थे, और वो आके बैठते हैं और वो होता है ना, घर वाले अपनी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं और पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं। ही वॉज अ, मेरा भाई बहुत बहुत स्वीट है, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करने वाला, जस्ट अ स्वीट हार्ट। सही, उस दिन उसको पता नहीं क्या हुआ कि ही स्टार्ट बैशिंग ऑन हिम, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, और वो भी ऐसी बात है, मेरे मामू हैं वो भी अपना टेम्पर लूज कर गए, और मतलब बात ऐसी पहुंच गई कि वो उसको मारने तक खड़े हो गए, ठीक है। अब मुझे लगा यार ये पागल हो गया है मेरा भाई, इसको उठाओ और इसको लेके जाओ साइकेट्रिस्ट के पास, ये अब अपना दिमाग खो बैठा। और वो काफ़ी ज़्यादा ना, मेरा भाई रिलीजियस भी हो गया था और रिलीजियस लोगों में बैठने लगा था मस्जिद। तो अब
अब इस बात को ना एक साल और ये आउट ऑफ नोवेयर शुरू हुआ, ये आउट ऑफ नोवेयर ना, अब मैं असल में सुनाने पाऊंगा तो नहीं नहीं, इसके पैदा होने से शुरू हुआ ये। अब इतना पुराना ये जो मामू के साथ जो किस्सा हुआ ये किसी कॉन्वर्सेशन की वजह से हुआ, कोई ये कॉन्वर्सेशन की वजह से हुआ कि वो सुन रहा था बेसिकली, वो उसमें था मौजूद और उसने बड़ा एंटी होके बड़ा नेगेटिव होके बातें करना शुरू कर दी, आप ये हैं आप वो हैं आप हमें कहाँ से डिक्टेट करेंगे आप ये वो, हालांकि बच्चे बोलते नहीं है इस तरह बड़े की बातों पर, तो बात मतलब हो गई वो। मेरा भाई काफी पुरस्कार है, अगर आप मुझे चांस देंगे तो फिर मैं आगे जाके भी बताऊंगा। खैर अब इस बात को ना, ये उस रात मैंने ख्वाब देखा, ठीक है, मेरा भाई उस वक्त रिलीजियस बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स वगैरह को बिलीव करने लग गया था, मौज आने लगा था, उस रात मैंने ख्वाब देखा और मैंने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब आप ये जो वाक्य है ना, इससे 2 साल के बाद आप आगे चले जाए और आप आप कोविड वगैरह भी निकाल दें और थिंग्स आर चेंज और कोविड भी है, और मतलब उस वक्त हमारी ना मतलब हमारे उस वक्त हालात ये थे कि माय फादर वाज मतलब अब जब ये जब मेरे भाई के साथ ये वाकया हुआ था उस वक्त ये पोजीशन थी कि वी हैव 2 cars, ठीक है, मेरे फादर एक रीजनल मैनेजर थे, सैलरी होगी तकरीबन 2 लाख तक, सिक्योरिटी भी होगी उनके पास, ठीक है, अपनी अपनी कंपनी की तरफ से भी कार बैंक बैलेंस वगैरह और ये वो सब था, ठीक है। अब कोविड में फिर ये कोविड में जब हम आए तो हमारी ये हालत हो गई कि भाई वो गाड़ी भी जॉब गई। अब ये सब लॉजिकल रीजंस है ना, कोई भी बंदा लॉजिकल, सब लॉजिकल है, सब जॉब भी गई और खानदान वालों ने प्रॉपर्टी भी नहीं दी और जो गाड़ी थी वो भी सेल हो के डाउनग्रेड होती गई और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। मैं 5,000 rupees मैं स्टार्ट की थी एंड आई एम अर्निंग 3x 4x राइट नाउ, तो मतलब काफी ज्यादा। तो मुझे पिछले साल ना मेरा ईद के बाद, अभी भी हम ये जो मीठी ईद होती है इसके बाद अचानक मेरी सिचुएशन बड़ी खराब हो गई जब मैंने इन चीजों को ना, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे सामने पूरी फिल्म रिवाइंड कर दी मेरी। मैं लिटरली मैंने अपना ऑफिस से छुट्टी ली, 2-3 दिन का जरा मैंने गैप लिया और मैंने जरा बैठ के सोचा इस बारे में और आई वॉज मुझे लग रहा था कि शायद मैं पागल हो गया अपने भाई का। मैं अच्छा फिर मैं ये ख्वाब लेके गया, एक ख्वाब की ताबीर बताने वाले होते हैं और मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ और वो काफी लॉजिकल बनने हैं। अब मैं आपको अपना ख्वाब बताना शुरू करता हूँ, मैंने स्टोरी बहुत शॉर्ट कर दी है, अभी बहुत शॉर्ट कर दी है, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। आप आराम से बताइए, कोई मसले की बात नहीं है, रिलैक्स होके बताइए। चले थैंक यू। अच्छा तो वो बेसिकली ख्वाब ये था, सेम वही घर है जहाँ पे वो वाकया हुआ था, क्योंकि मैं अपने घर बहुत बदलता रहा हूँ क्या कहते हैं ना इस पीरियड में। तो वाकया बेसिकली ये था कि वो सेम वही घर है, वही ड्राइंग रूम है, वही किचन है, वही सब कुछ, वो सारा सेम सिनेरियो है। और मैं अचानक अपने बिस्तर पे लेटा हुआ और मैं वहाँ से उठता हूँ और मैं अपने जो आपके किचन और उसके सामने एक समझे आपका एक सिटिंग एरिया होता है ना मेरे घर में, मैं वहां पे जब चलता हुआ आया तो मैंने ये देखा कि फर्श पे ना 2-3 सांप रेंग रहे हैं और वो कलरफुल सांप हैं बड़े, मुझे पता भी नहीं चलता, तो उसमें से ना 2-3 सांप मुझे काट लेते हैं। फिर मैं गया और मैं अपने मेरे जो फादर का रूम है ना वहां जाके बैठ गया और मैंने बोला पापा मुझे किसी ने काटा है सांप। फिर मैंने अपना पाँव देखा ना, जो सांप के काटने के डंक जो होते हैं 2, उसको मैंने बकायदा देखा। तो बाबा ने बोला बेटा बिल्कुल परेशान नहीं हो। इतने में एक डॉक्टर आता है बड़ा सूटेड बूट और वो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है और उसका उससे मेरे बाबा एफिलिएटेड हैं, रहे एक जमाने में रहे थे, अब नहीं रहे। वो क्या करता है कि वो उसको बकायदा ना मेरे गोश को जहाँ पर उसने काटा होता है वो खरोच खरोच के निकाल रहा होता है। अच्छा मुझे तकलीफ नहीं हो रही होती, वो बस निकाल के फेंक रहा होता है। तो अब मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर मैं ऐसा खड़ा होता हूँ, फिर मैं जाता हूँ अपने रूम में वापस से, तो वहाँ पे मेरे वही मामू की फैमिली बैठी हुई होती है जिनके साथ मेरे भाई का, उसका नाम फटा हुआ था, चार्ली रख लेते हैं उसका नाम। अब मैं वहाँ जाके बैठता हूँ ना, तो मैं तो बड़ा लविंग पर्सन हूँ, अपनी फैमिली को वैल्यू देता हूँ। तो वहाँ पे ना वो लोग बैठे हुए जमीन पे और एक कैक्टस रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी। अब वो
मैं पूछता हूँ मामू व्हाट्स दैट, तो वो कहते हैं कि देखो इसको, मैं उसको कैक्टस को हर हाथ लगाता हूँ तो वहां पे सांप कैमोफ्लाज हुआ हुआ होता है ग्रीन कलर का, और मैं उससे डर जाता हूँ और यहाँ पे मेरा ख्वाब खत्म। मैंने इस ख्वाब को कभी फोकस नहीं किया। मैं अपने उन आलिम के साथ, उन आलिम साहब के सामने ना बैठ के मैं अपने 2 साल के बाद अपना ख्वाब सुना रहा था, फिर मैंने उनको रिवाइंड करके बताया अपनी पूरी 2 साल की स्टोरी। में बोला आलिम साहब पता है क्या हुआ है, आप रिलेट करें पिछले 2 साल को, जब हमारे पास सब कुछ था ठीक है, उसके बाद फिर जब कोविड आया मेरे फादर की नौकरी भी गई, वो गाड़ी भी गई, और जो खानदान वाले थे ना, अब जाहिर सी बात है मेरे मामू हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा एंटी रहे वो, जो कि इस तरह हाथ मिलाते थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ इस जायदाद की जंग में, ठीक है, पूरा खानदान हमारे अगेंस्ट हो गया था, ठीक है। मैं अपना सर उठाए चलता रहा, मैं लड़ा सबसे और मैंने अपने हक की बात की, अपनी फैमिली के लिए लड़ा, मैंने अपनी जॉब सिक्योर की और मैंने उन लोगों की तरफ नहीं देखा, और अल्लाह ताला ने मुझे इतना आज नवाज दिया कि मेरा घर आज वापस से वो सारी बुलंदियां देख रहा है, प्रोग्रेस देख रहा है। अच्छा आलिम साहब आपको पता है मेरी मदद के लिए कौन आए उन दिनों लोग, जो मेरे फादर की, जाहिर सी बात है जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता ना तो तब पता चलता है, हाँ भाई मदद के लिए। मैंने बोला आलिम साहब वो जो ऑर्गेनाइजेशन वाला डॉक्टर आया था ना, वही मेरे फादर ने जॉब की, भले बहुत लो पे स्केल में जॉब की लेकिन उन दिनों, ठीक है, अगर 2 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है तो उन्होंने वहां पे 40,000 रुपए में नौकरी की, वो मेरी मदद के लिए आए इन 2 सालों में। फिर मैंने अपने आलिम साहब को बताया, आलिम साहब आपको पता है कि जिन्होंने ये सब सारा गेम खेला वो मेरे बड़े मामू थे, वही वाले मामू जो नहीं, वो बड़े हैं ये बड़े हैं वो, इन्होंने सब लीड किया, उन्होंने सारा गेम खेला ना सब कुछ, एक मास्टरमाइंड जरूर होता है हर पूरी फैमिली में ना। तो मैंने बोला आपको पता है उनकी सास जो है, उनके पास आप जब जाओ तो वो ये कहती हैं कि वो हमेशा जब आपको, वो भी मेंटली तौर पे आपको इल दिखेंगी अगर आप उनके पास जाओगे, वो बोलती रहेंगी मैं उस शाह साहब के पास गई, मैं उस शाह साहब के पास गई, ओ मेरे बेटे और जो मेरा बेटा है और वो मेरी बेटी है वो यूएस से आ रहे हैं, ओ माय गॉड, ठीक है तुम लोगों का क्या हुआ, अल्ट्रा मतलब जेलिस तरीन के यार, व्हाट मतलब इतनी जेलिसी की हद मैं आपको बता नहीं सकता। तो आई वॉज जस्ट उनको टेलिंग और उनकी आंख से आंसू निकल रहा था, वो कह रहे थे बेटा, मैंने बोला मैं क्या करूं, तो बेटा उन्होंने बोला कि बेटा बस कुरान पढ़ो और मंजिलें उन्होंने बताई कि बस ये पढ़ लो, नमाज पढ़ा करो और तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उस वक्त मेरी सिचुएशन होती थी, मुझे लगा मैं लिटरली अगर किसी डॉक्टर के पास जाता ना अपने सिम्टम्स बताता तो वो मुझे कहता ये लो, मुझे सब पता है कि मैं भाई मेरी मदर है बाइपोलर, मेरा भाई है, वो ये कहता ये लो ब्रेन स्टेबलाइजर, मुझे भी दिए डॉक्टरों ने ब्रेन स्टेबलाइजर ये लो, और एक एक बीमारी है शिप, बड़ी एक्सट्रीम पेशेंट्स को होती पता है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उन पेशेंट, मुझे हर हाँ या उसको कंट्रोल करने के लिए आती है, वो बड़ा डिटेल से समझाते हैं कि देखो हमारे सामने टेररिस्ट भी आ जाए ना हम ये खिला देते हैं तो वो हिल नहीं पाता, वो भी मैंने खाई है, लॉक लग जाता है आपके दिमाग में, आप बोल नहीं पाते। तो उस वक्त ये होता था मेरी कंडीशन, जब मैं आलिम साहब से मिलने जा रहा हूँ ना मेरे पैसे गए, दिख ही नहीं रहे, अब क्या कंधों से मतलब इतना दर्द जो है वो दर्द एकदम आएगा ऊपर से, कंधों से ट्रेवल करता हुआ जाएगा सब बिल्कुल आपकी बॉडी के नीचे तक। तो अब स्लीप पैरालिसिस वगैरह तो मैंने अक्सर फेस किए, तो एक ये हो गया। अब इसी से कनेक्टेड दूसरा है, अब आप वापस आ जाए, मैं अभी गया हूँ उन आलिम साहब के पास, ये क्या है, ये अभी कोविड वाला पीरियड नहीं है, अब मैं गया हूँ ना उसी दिन सुबह को मुझे एक और ख्वाब आया और मेरी अम्मा को सेम आया जाने से पहले, अभी मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और मैं मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए और मैं आलिम साहब के पास अभी जाने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे सहन में पूरी ये स्क्रीन जो मैंने आपको बताया रिपीट हो रही थी। एक और ख्वाब आया सुबह, मेरी अम्मी को आया, मैं भूल गया हूँ मुझे नहीं आया, मेरी अम्मी को आया था ऐसे ख्वाब, मुझे नहीं आया, आई एम सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मेरी अम्मी को एक ख्वाब आया कि 3 सांप हैं ठीक है, और वो डंक निकाले हुए, वो जो जिसको जिनको सांप एक टोकरी में रखते हैं सांप को ना, वहां से फन फैलाए हुए 3 सांप मेरी अम्मी की तरफ देख रहे हैं, उनके जबान से वो निकल रहा है, उनकी जबान निकल रही है बात, और मेरी अम्मी टोकरी का वो रखती हैं उनके ऊपर
जो बंद कर देती हैं कैप और अच्छी तरह उसको सीती हैं और साइड में कर देती हैं। मैंने बोला आलम साहब नो व्हाट्स दैट, मतलब मैंने उनसे उनसे पूछा नहीं, फिर मैंने सोचा कि यार बस व्हाट्स दैट, सॉरी अच्छा ठीक है, मैंने मैंने सोचा भाई ये क्या है, ठीक है अब आप आ जाए सॉरी चार्जर लगा रहा हूँ उसको, अब आप आ जाए एक साथ और आप, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने मैंने बोला भाई बाहर में जा पाओ, ठीक है एक साल आप और आगे ले आए इस मीटिंग पे आ गए। अच्छा ये होता है मुझे ये वाली मीटिंग ये अभी जो गुजरी है होता ये है कि यही कुछ आर्ट होते हैं जो मुझे मेरी मतलब कभी कभार होता है कि मुझे मेरी सिचुएशन सही नहीं रहती, मैं ऑफिस वगैरह से दुनिया से कट ऑफ हो जाता हूँ ईद पे, सेकेंड डे थर्ड डे मैं नहीं जाता मेरे लोगों से, तो और मेरी लाइफ मतलब ऐसी हो जाती है कि मतलब पूरा साल ऐसी हो जाती है कि मैं जैसे जी भी नहीं पा रहा, मतलब मैं सिर्फ रोबोटिक वर्क कर रहा हूँ ऑफिस का परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी दब गई है, पहले क्लियर आ रही थी। हेलो जी बेटर बेहतर है, पता नहीं क्या हुआ अचानक से आवाज खराब हो गई, पता नहीं मैंने चार्जर कनेक्ट किया सर इसका इफेक्ट सही। अब आप आ जाएं बिल्कुल फ्रेश, वाकई मैंने वो डंक वाला मैंने जब देखा। अच्छा मेरे भाई के साथ वो तो है भाई मेडिकली तौर पे, वो अब मुझे नहीं पता मैं हूँ या नहीं हूँ पागल, लेकिन वो मेडिकली तौर पे हाँ भाई मेरी सा पेशेंट और हम पागल हो गए उसको दवाइयाँ खिलाने, हम पागल हो गए, हमने उसको दो दफ़ा रिहैब में बंद किया है और बहुत अच्छे रिहैब से बंद किया है जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर किया जाता है। किसी को एक्सपीरियंस चाहिए हो ना वो आकर पूछे, मैं उसको एनोनिमसली बता दूंगा किस रिहैब में जाना है आपको, ठीक है। बहुत प्यार से डील किया जाता है, काउंसलिंग होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वरना यहाँ पे अल्लाह माफ करे ऐसा लगता है जैसे जेल में रखा हुआ यार। मैं अब ईद पे बैठ के इस रंज में था कि यार मेरा भाई क्यों ठीक नहीं हो रहा, मेरा भाई क्यों ठीक नहीं होता, दवाई क्या सिर्फ फसले का हाल है, हमसे भी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, सारी केयर करते हैं, मोहब्बत देते हैं। तो मैं ना अच्छा मैंने आपको बताया था कि वो रिलीजियस लोगों में बैठता उठता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में ना, मैंने कर ली प्लानिंग, मैंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ इसके साथ, और तीन दिन के लिए वो खास तौर पे वो लोग निकलते हैं हर महीने निकलते हैं हर हफ्ते निकलते हैं। मैंने सोचा भाई मैं इसके साथ जाके देखता हूँ कि यार ये करता क्या है, इसकी किस किन लोगों के साथ क्या अफिलिएशन है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने अब मेरे साथ आप ये देखें कि चेंजेस किस तरह होने लगी, मेरी सैलरी आती है 20 तारीख को सही, मेरी कंपनी की कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं और मतलब आई लव माय बॉस आई लव माय कंपनी, मैं क्रेडिट कार्ड से रोलिंग करके मतलब चीज़ें निकाल देता हूँ, मैं ज़रा फ्रस्ट्रेटेड 5 तारीख हो गई मैं फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ था, तो हमारा एक ऑफिस का जी सूट है पूरा, वहाँ पर मैंने मैसेज डाल दिया कि यार मतलब एक मीम शेयर करती है कि भाई 5 तारीख को मैं ये सोच रहा होता हूँ कि पैसा ला, तो ये हमारी कंपनी का कल्चर है, वो मिमिक वगैरह सब चलता और ऑनर्स वगैरह बॉसेस वगैरह सब। आपको पता है कैपिटलिस्टिक लोग कैसे होते हैं, उनको पता है उनकी ऑडियंस क्या है, उनको पता है कौन सी क्लास के लोग उठ के आते हैं हमारे पास काम करने के लिए, जिनको अगर आप पैसे ना दें तो वो सबर कर लेते हैं, तो वो तो अगर बॉस ने बोल दिया 20 तारीख को तो 20 तारीख को ही मिलेगी सर, इट्स अ डेड एंड। आप मैं आई एम नॉट अ वेरी स्पेशल गाय। हुआ ये कि जिस दिन मुझे जाना था ना उसके साथ उस दिन मैंने प्लान प्लान किया हुआ था 5 तारीख से आप लगा लें 2-3 दिन आप उसको आगे कर लें, अभी 20 कोई नहीं है अकाउंट में पैसे गिरे डायरेक्ट और मेरे नहीं गिरे पूरी कंपनी ही गिरे, और उस मैसेज उस मीम के नीचे ना फाइनेंस वाले का मैसेज था कि हाँ भाई सैलरी दे थी, और उसके नीचे मेरा रिप्लाई था इम्प्रेसिव, ठीक है मतलब दिस कंपनी इज फुल ऑफ सरप्राइज, इस तरह मेरा ये काम निकला। फिर आपको पता है भाई मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, घर पर बड़ा हूँ, बिल्स वगैरह भरना ये वो सब कुछ निपटाया, पूरी रात जागा हूँ और इसके साथ मैं निकल गया सफर पे। अब मैं उसमें रिलीजियस उसमें जाऊँ मैं नहीं जाऊँगा कि मैं कितना नेगेटिव था उन लोगों से और ये क्या वो, तो अच्छा अब मैं रिलीजियस नीटिविटीज में नहीं जाऊँगा, मैं 3 दिन मैं वापस आ गया। मैं 3 दिन के बाद जब मैं वापस आया ना मैंने फोन खोला
तो रिस्क की बड़ी तंगी थी हमारे घर में ना, मतलब यार एक सैलरी है ठीक है, उससे घर तो नहीं चलता, आपको एक्स्ट्रा क्लाइंट्स वगैरह की जरूरत होती है, फ्रीलांस वगैरह, और मेरा आईटी से रिलेटेड ताल्लुक है, तो ऐसा लगा कि भाई हर बंदा लाइन लगा के खड़ा हुआ है कि मुझसे एक प्रोजेक्ट ले लो मुझसे। ये मेरा पूरा वीक ऐसा गुजरा है कि मैं लोगों के ये बोलता हूँ, कह रहा हूँ कि यार मुझे एक सैटरडे नाइट, एक सैटरडे संडे दे दो, मैं मंडे को तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है। पहली कॉल मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, तो वो मैं जब मैंने रात को फोन आके देखा ना, मैं जब आ गया था रात को, तो मैंने देखा कि वो उसमें मुझे गालियां बकी हुई हैं कि तू मेरा फोन उठा, हालांकि मैं व्हाट्सएप पे लिख के गया था कि आई एम आउट ऑफ टाउन फॉर 3 डेज। मैं सुबह उसको, मैंने उठते के साथ ही मैंने गालियां बकी, मैंने बोला कि तुमने मुझसे इस तरह बात किस तरीके से की, मैं तुम्हारा अगर एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहा हूँ तुमने मुझसे इस तरह बात की, तुम अब बताओ ठीक है। तो कहने लगा कि यार वो अल्फा मतलब आई एम सो सॉरी, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसको लो, मेरी एक लीड आई है कहीं से और 10 और दूंगा, इसको तुम अभी रिटेन करो ठीक है। एंड आई वॉज शॉक, इस तरह अल्लाह ने मुझे सरप्राइज किया। अच्छा खैर ठीक है, अब नहीं जा रहे, सक्सेस पे नहीं जा रहे, आई एम नथिंग, मैं आई एम नथिंग ठीक है, आई एम लिटरली, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मैं आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता 5 वक्त में से। उस रात का मैंने ख्वाब देखा, मैं जैसे ही घर आया ना, सबसे पहले तो मैं अपने भाई से लड़ा, तुम लोग इतने बड़े मुनाफिक लोग बाहर ये बोलते हो घर में आके, आपकी आवाज खराब हो रही है, आप एक काम करें वो चार्जिंग से हटा के वैसे जैसे पहले बात कर रहे थे वैसे कर लें प्लीज, नाउ बेटर, थोड़ी सी बेहतर। हेलो, अच्छा एक कुछ बेहतर हो जाए थे। हाँ जी अच्छा, अब मैं ये सब हो गया। अच्छा मैं उस रात जब आया ना, तो मैंने आते के साथ ही ये किया, मैं बहुत गुस्से में आया था वहां से, पता बहुत गुस्से में, हालांकि ऐसा नहीं मैं उनको, मैं मुझे बस गुस्सा आ गया, बहुत शदीद गुस्सा आ गया, जैसे मेरे में शैतान आ गया हो। मैंने बस टोपी रखी वहां पे, नमाज पढ़ी, और मैं इतनी स्पीड में चलता हुआ आया जैसे पता नहीं कौन सी जगह छोड़ कर आ रहा हूँ। आई वॉज अनकम्फर्टेबल, क्योंकि यार मेरा लाइफ स्टाइल बड़ा डिफरेंट। मैं घर आया तो सबसे पहले तो मेरी ना, मेरा भाई, मैं अपने बाबा को फीडबैक दे रहा था कि बाबा ये है मुनाफिकत, आप देखें घर में मासियों को इस तरह ट्रीट करता है ये बंदा जैसे इसकी नौकरानी हो, बाहर ये इतना अच्छा हो जाता है, ये है इसके अंदर मैंने कहीं कोई कुछ नहीं देखी अबनॉर्मेलिटी बाहर, इस तरह बोलने लगा। ये भी आ गया था, इसके ये खड़ा हो गया, उसने बोला मेरे बुजुर्गों को कुछ नहीं जरूरत ठीक है। फिर हमारी हाथापाई होते होते बची, मैंने बोला इट्स माई राइट, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे जो दिल चाहे बोलूँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, क्योंकि थ्रेट देता है, कहता है ना तो मैं मतलब ये कर दूंगा तुम्हारे साथ, वो कर दूंगा। फिर ये चला गया बाहर का मस्जिद नमाज पढ़ने, उस इशा का वक्त हो रहा था, मगर गया। मैं आया अपने, जब बाबा से बात हो गई थी, मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे अब मैंने अपने गुस्से निकल गया। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा हमने ये बात रियलाइज नहीं की कि यार इसके सेंटीमेंट्स हैं, हमसे गलती हो गई, आप इसके ना लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें, वो लोग इस जैसे नहीं है, ये ऐसा बोल दिया है। अब मैं अपने बिस्तर पे आया और मैं वहां ना रोने लगा आंसुओं से कि या अल्लाह ताला मतलब तुमने मुझे पैसों की वजह से गरीब बना दिया यार, मैं अपने मतलब मेरा भाई बहुत ही ज्यादा ना कहता है यार सबर करना सबर करना सबर करना, बार ये कहता है घर आता है कहता है, मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी बैंक की ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं किस किसके साथ जाऊँ, कोई पर्सनल स्पेस ही कॉन्सेप्ट नहीं, जितना भी क्रिएट आप करने की कोशिश। मैं रोने पड़ गया, मैंने मुझसे गलती हो गई, मैं ना मतलब तुमने मुझे पैसों की वजह से मैंने सलीम करा दिया, मैं सो गया। मैंने एक ख्वाब देखा, उसमें मैंने ये देखा कि मैं बहुत तेज एक सड़क पे चलता हुआ जा रहा हूँ, बहुत शदीद तेज, और अविनाश भाई समझे अभी मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, आप ड्राइविंग वगैरह करते रहते हैं, एक होता है आप स्पीड में तेज जा रहे होते हो और आगे से ना एक डायवर्जन आती है, मतलब बिल्कुल ही कोई समझे कोई एग्जिट लेकर आ रहा है आपकी तरफ ठीक है, बहुत तेजी से आपको मतलब हिट करने वाला है, तो मैं उसको देख के पहचान जाता हूँ कि यार इट्स अ थ्रेट, मतलब ना और मतलब सिंधी टाइप लोग आ रहे हैं चलते हुए, उसमें वो 3 होते हैं, उसमें से 2 अलग हो जाते हैं, एक आता है जो मेरे मेरे अंदर घुस जाता है और मैं पैदल चल रहा हूँ, और मैं उससे इतना फर्क ज्यादा होता हूँ कि मैं रोने बैठ जाता हूँ वहाँ उसको देख के ना,
और मैं और मेरी ये सिचुएशन होती है कि लिटरली मेरे मुंह से आवाज निकल रही होती है। मेरा दूसरा एक भाई है वो जाग रहा होता है, वो कहता है भाई साहब व्हाट हैपेंड, मतलब ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मतलब मैं अचानक फिर मैं उठा, मुझे मतलब होश आया। तो मेरी ये लर्निंग रही अपने इस ख्वाब से, जो मेरा लेटेस्ट ये था कि यार इट्स अ जेलिसी फैक्टर, ठीक है, और होती है। आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो ना, तो कभी कभार उससे भी होती है। आप इसमें लोग पूछेंगे यार कि इसमें कोई वो तो नहीं है, मतलब हॉरर एक्सपेक्ट तो नहीं है, तो है। जब ये पैदा हुआ था ना मेरा थर्ड वाला भाई, मैंने मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं बहुत मैं इससे होऊंगा तकरीबन 4 साल हूँ, ये अम्मी के बराबर में लेटा हुआ था। तो अब जब कोई भी आपका भाई आता है तो मतलब आपको बहुत खुशी होती है। मैंने जब उसको देखा तो मैंने बोला मुझे अपना भाई अच्छा नहीं लगा, मैं उसको बहुत छोटा था, मना भी अक्ल नहीं थी। फिर मैंने अब मैं आपकी मेमोरी रिकॉल कर रहा हूँ, फिर मैंने ये देखा कि ये बड़ा उस वक्त ना बड़ा घूर के देता था सबको। मेरी खाला इससे बड़ी मोहब्बत करती थी, तो ये बचपन में भी जब गोद में था तो ये बड़ा घूर के इसका देखने का स्टाइल था। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कोई थ्रेटनिंग इसकी आईज है। इसका जो स्टार है ना वो स्कॉर्पियो है, और लोग सही कहते हैं कि स्कॉर्पियो जो होते हैं वो मतलब आपको स्कॉर्पियो है तो वो बुरा ना मान जाए, मतलब ये आप समझे इल्यूजन है मेरे, मतलब ये मेरे एजम्पशन है, ठीक है। तो इनपे इसमें हमारा ताल्लुक होता है सन से, हमारे टाइम से है। एक तो पर एक क्वार्टर में मैं इसका एंड करूंगा, मैं बहुत टाइम ले लिया था। हम छोटे थे, हमारे अंदर अकल नहीं थी बहुत, मतलब अच्छी सब कुछ बहुत बरकत थे, हम सब छोटे थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मेरी नानी है जो कोयत में बेसिकली होती है, मतलब डायरेक्ट मेरी अम्मी की मेरी अम्मी की मदर नहीं है, दूसरी है, कजन समझे आप। उनके ये लोग सारे रिश्तेदार गए हुए थे, मतलब मेरे घर वाले सारे गए हुए थे, मैं नहीं गया था, मैं सिर्फ अपने घर पे था। तो जब ये लोग वापस आए तो पूरा खानदान शॉक था। हमारे इस पूरे खानदान में ना 2 2 3 3 हफ्तों तक ये बात चलती रही। और वाकया ये था कि मैयत थी, मौत किसी की ताजियत करने गए थे, मैयत दी थी, और वो बिजली का घर बड़ा पुराना है और बड़ा पुरेसरार किस्म का घर है। वो तो हुआ ये कि अचानक ये गायब हो गया मोहतरम तीसरे वाले भाई, और पूरे मेरे खानदान में अच्छे खासे सेंसिबल लोग हैं भाई, मर्द है बड़ा, औरतें। तो हुआ ये कि सब ने अपनी टांगे घिस ली, ठीक है, पूरी रात गुजर गई, कहीं नहीं मिला, गलियां मोहल्ला। अच्छा वो बहुत पुराने रह रहे हैं वहां पे गिजरी में ना, बहुत पुराने रह रहे हैं, हर बंदा जानता है उनको कि कौन है क्या है सी। तो अब नहीं मिल रहा भाई, कहीं नहीं मिल रहा, सब थक गए, सब रापता कर लिया पुलिस से इधर उधर। अब क्या हुआ कि किसी का दिमाग चला गया यार कि जो छत पे जाने वाला रास्ता था, जो छत पे जाने वाला रास्ता था वो इतना खराब था कि वहां पे एक नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता, जवान सही आदमी नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ जिस तरह पुराने वाले घर होते हैं, और बच्चा कितना छोटा, 3 4 फीट का, मतलब। तो किसी ने बोला यार ऐसे चेक करते हैं ना, यहाँ पे भी हो सकता है। अब जब वो गए तो छत पे भी नजर नहीं आया, अचानक नजर पड़ गई खूब अंधेरा, पिच ब्लैक। इतने में ये मोहतरम खड़े हुए, अच्छा इनका सर ना थोड़ा सा बड़ा है, और मतलब उस वक्त बच्चा था वो शेर वेव भी था, मतलब अंधेरे में चमक रहा है, और ये पता कर रहा है पानी की टंकी पे और नीचे सड़क पे देख रहा है, और इतने घंटों से खड़ा था, कुछ बोल भी नहीं रहा। और ऊपर चढ़ा कैसे वो सीढ़ियों से, वहां सीढ़ियां लगी हुई थी। ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं है। सीढ़ियां भी लगी हुई होंगी तो यार मिनाज भाई, मैं इतना बड़ा, मैं अभी I'm 23 राइट नाउ यार, मुझे डर लगता है यार। मैंने आज तक कोई पाइप सही नहीं किया, ठीक है, ये वहां पे खड़े हुए, और बच्चा उस वक्त तो बहुत मासूम था। आप नहीं, जब मुझे आप बातें कम समझ उम्र पाते होते हैं ना, जब आप कम उम्र होते तो आपको खौफ नहीं होता वो मिनाज भाई? खौफ। ठीक है, लेकिन मिनाज भाई कोई सीढ़ियां नहीं, कुछ नहीं,
और मतलब ठीक है चले, मेरा एक भाई और छोटा है, मैं अगर उसको बोलता हूँ ना कि यार जरा यहाँ गैलरी पे खड़े हो जाओ, तो आजकल तो बच्चों में बहुत अकल है। वो भाई एक अल्लाह ताला ने शऊरी तौर पे भी जो बचाया है ना, वो आप खुद प्रोटेक्ट करते हो, आपके आपके अंदर एक रिफ्लेक्स है, एक्शन भी होता है, आप नहीं चढ़ते, आप वो पड़ा हुआ है पानी की टंकी के नीचे सड़क पे देखा। तो आप विनाश भाई, अगर आप देखते हैं एक साइकेट्रिस्ट की नज़र से, तो मेरी जो गुफ्तगू है वो सारी बकवास है, ये सारी जो अलामतें हैं वो आपको साइंटिफिक बुक में मिलती है, ठीक है। और अगर आप एक थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अंदर घुस के देखें इन सारी चीज़ों को, तो कुछ मेरा वाला आपको हाल दिखेगा। तो मैं बस इसी तरह जी रहा हूँ, लाइट और फायर के दरमियान में मैं इस तरह सोता हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही अपनी एक पर्सनल कहानी जो है वो हमसे शेयर की, और जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो देखिएगा 4-5 सालों में, 2-3 सालों में सही हो जाएंगे, देखिएगा आप थैंक इंशाल्लाह। यू। और आपसे एक बार एक छोटी सी क्वेश्चन, अगर जी आप जी बोलिए। अगर छोटी सी बात भी छोटी सी विनायक भाई, अभी देखें ये लाइव जा रहा है और अभी ये रिकॉर्ड भी होगा, अगर जहाँ मैंने अपने आप को एक्सपोज किया वहाँ आप हल्का सा बम कर दें, हल्का सा अगर काट देना, तो वैसे तो वह बहुत पॉपुलर है विनायक भाई आप इधर, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बाकी आई एंजॉय दैट कॉल। थैंक चलो थैंक यू, यू, मैं कर दूंगा बिल्कुल। थैंक थैंक यू, अल्लाह यू हाफिज। ऑलराइट, चलें, बहुत ही एक कोई आके अपनी अगर बिल्कुल ही पर्सनल कहानी सुनाना शुरू करता है ना, तो वो बड़ी तकलीफ दे होती है सुनने वाले के लिए भी, एटलीस्ट मेरे लिए तो होती है, मुझे नहीं मालूम कि बाकी सुनने वालों के लिए क्या होगी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बैक टू बैक रेडियो फॉर्मेट शो, क्या हो गया मिन्हाज भाई आपको? दिमाग तो सही है, पागल वागल तो नहीं हो गए आप? इतना ना करें, पता चला दो अभी बैक टू बैक कर लिए और फिर महीने भर के लिए रेडियो फॉर्मेट गायब। नहीं जी, ये रेडियो फॉर्मेट अब हर वीक हुआ करेगा, और कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से भी हम कोशिश करेंगे करने की। खैर जी, तकरीबन 1 घंटा 44 मिनट की हमारी स्ट्रीम हो चुकी है। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे हमारी जो वीडियो की रीच है वो बढ़ जाती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ताहिर रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सुपर चैट, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन ऑलवेज अ गुड गुड स्पोर्ट, थैंक यू। जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे इस चैनल को, वो लोग हमें सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारी मेंबरशिप भी हासिल कर सकते हैं। और जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो हमें इजी पैसा और जैस कैश के ज़रिए अपनी सपोर्ट भेज सकती है 03111577846 पे। खैर जी, एक ईमेल है हमारे पास, थोड़ी सी तकलीफ देह होगी चंद लोगों के लिए क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है, और एक हमारे पास एक अदद ऑडियो टेप मौजूद है जो कि तकरीबन 20 मिनट की है, लेकिन ये दोनों ही कहानियां हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बढ़ते हैं अपनी अब ईमेल की तरफ। आई हैव अ हॉरर स्टोरी फॉर यू। I've lived in a town called Udevala in Sweden for 10 years now. This town has a reputation for being haunted with an eerie stories to tell. This particular story happened on a freezing night in December 2021. My wife and I had been visiting a friend and were taking a late night bus back home. The bus was almost empty, the silence inside only broken by the hum of the bus engine. Street lights flashed past, casting moving shadows inside the bus that danced around, adding to the spooky atmosphere. As we were passing by an old run-down building, the bus suddenly came to a stop. We knew this building. It was known for its ghost stories.
We had even had a chilling encounter there before seeing a ghostly old woman. The sight of this building made our hearts race. Without any warning, the bus door creaked open, letting in a gust of icy wind. The temperature inside the bus dropped, and a chilling whisper filled the air, echoing around us. The whisper seemed to be saying something, but we couldn't understand it. It felt like the old ghost woman was trying to speak to us. My wife, who was sitting closer to the mirror, turned pale as she looked into it. The old woman's reflection was in the mirror, her eyes glowing like bright coals in the dark, her lips moving in sync with the eerie whispers. Her ghostly figure seemed to be staring right at us, sending chills down our spines. Suddenly, we heard a soft thud against the bus window. We turned to see a ghostly handprint forming on the cold glass from the outside. Fear gripped us. We held each other's hand tightly, hoping for this scary event to end. Just as suddenly, the bus engine roared to life, the door shut, and we started moving. The whispering stopped, and the handprint slowly disappeared. The ghostly figure was no longer in the mirror. We breathed a sigh of relief. That was our last late-night bus ride in Udaywala. We now avoid the old building and always remember to stay safe. This story serves as a reminder that there are strange things in this world that we don't understand. Thanks for listening. Remember us in your prayers. Well, thank you, Adil. Baba shukriya aapki email ka. Khair ji, ab chuke hum apne program ke us hisse mein aa gaye hain jahan pe hum apna chehra aapko dikha sakte hain. Ye rahe hum. Kaise hain sab ke sab? Theek hain. Umeed karte hain ki aaj ka program aap logo ko pasand aaya hoga. Jitne bhi chat pe log maujood hain, aap tamam logo ka bahut bahut shukriya. अभी तक हमारा प्रोग्राम सुनने का. कल वैसे तो छुट्टी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ना भाई एक ही दिन की तो छुट्टी है यार, सोने देने यार, तो बहुत सारे जल्दी भी सो जाते हैं. लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक हॉरर टेप मौजूद है. लेकिन उस हॉरर टेप को चलाने से पहले हम कुछ एक दो मिनट आप लोगों से बात करना चाहेंगे, और वो बात है चैरिटी से रिलेटेड. हमने अभी 3-4 दिन पहले चैरिटी स्ट्रीम की. आप लोगों को मालूम ही है कि हर महीने हम करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं हम सब मिलके किसी फैमिली की, किसी की ज़रूरियात पूरी करने की. मेरा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि रमज़ान में हमने कई सारे लोगों के लिए, आप सब ने, एक्चुअली मैंने नहीं, आप सब ने, आप सब जरिया बने थे उनके राशन का. लेकिन जो मेरी ख्वाहिश होती है, मेरी कोशिश होती है कि हम उन लोगों की पहले मदद करें या कोशिश करें मदद करने की जिनको, जिनकी मेडिकल कंडीशंस इस तरह के हो गए हों. बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मिनाज भाई आप अगर हम चाहें तो हमें उनके डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं, हम इस चीज़ में कम्फर्टेबल हैं. तो हम अगर आप उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे तो हम आपको उनकी डायरेक्ट नंबर दे देंगे. लेकिन उसमें होता मसला क्या है मैं आपको बता देता हूँ. और ये चंद ऐसे लोग मौजूद हैं चैट पे भी, हमारे मेंबर्स भी, जो इस बात की तस्दीक कर देंगे. मैं आपको बताता हूँ, ये किसी एक की बात नहीं हो रही, मैं एक रैंडम सिनेरियो आपको पेश कर रहा हूँ. जैसे हमने एक ज़माने में किसी की मदद के लिए हमने चैरिटी स्ट्रीम की, और एक हमारे पास साहबा है, उन्होंने कहा मैं इन साहिबा की या इन साहब की या इस बच्चे की या इस बच्ची की मदद 2 साल तक कर सकता हूँ. हमने कहा बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त. हमने उन साहब को उन एक्स वाई जी जो भी करते धरते थे उनके साथ कनेक्ट कर दिया. अब होने ये लगा कि जिनकी मदद हो रही थी वो
अब हर चीज के लिए मैसेजेस करने लगे। एक होता है ना कि बंदा एक अमाउंट दे देता है कि भाई आपके महीने की हमने बांध दिया, आप इससे गुजारा करें, लेकिन वो फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर उनका नंबर, उन साहब का नंबर किसी और को दे दिया गया, तो दो तीन लोग आ गए बीच में, तो बस ये एक इशू होता है। लेकिन ये अब हम चूंकि सारे बड़ी उम्र के लोग प्रोग्राम सुन रहे, मैच्योर लोग हैं, तो अब ये अगर प्रॉब्लम आई तो ये आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा आई तो फिर आप मुझे इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारी इस चैरिटी में सपोर्ट करना चाहते हैं, एंड मैं आपको ओपनली बताऊंगा कि चैरिटी के लिए मैं अपने लिए जब इतना बोल देता हूँ कि यार हमें सपोर्ट करें, तो चैरिटी के लिए सोचे मैं तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना वो ये देखे हुए कि ओ मेरी इज्जत गिर रही है, ये भाड़ में गई इज्जत, चूल्हे में गई मेरी इज्जत, चूल्हे में गई सबकी इज्जत एक्चुअली। अगर किसी की मदद करने के लिए हमें मांगना पड़े इट्स ऑल राइट, किसी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अगर मांगना पड़े इट्स ओके अरुण के। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें तकरीबन 4 लाख का हमने एक अपना वो चैरिटी का अमाउंट डिसाइड किया होता है, जिसमें से हमने तकरीबन अभी तक 1.5 लाख तक जमा कर लिए, और हम अभी और भी जो है वो जमा करने की ख्वाहिश रखते हैं। और वो इसलिए क्योंकि तकरीबन 5 से 6 फैमिलीज हैं जिनकी हमने सपोर्ट करनी है, उनमें से 2 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी फौरन मदद की ज़रूरत है, मतलब उनकी वालिदैन की शदीद तबीयत ख़राब है। तो इसलिए अगर आप लोग करना चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं और फिर हम आपको तरीक़ेकार बता देंगे। या फिर जो लोग पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप लोग डायरेक्टली चैरिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या इनपुट देना चाहते हैं, तो हमें इजी पैसा और जैस कैश पे अपनी जो भी चैरिटी है वो भेज सकते हैं 03111577846 पे। बस इतनी सी बात करनी थी, अब हम बढ़ते हैं। अच्छा एक बात ये मेरे लिए भी है, हम लोग ना फौरन जज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी हमारे चैट पे मौजूद जॉन सीना, इनका नाम है, उन्होंने कहा कि अब डिजिटल भिखारी भी आ गए। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप उस वक्त से नहीं गुजर रहे या उस वक्त से नहीं गुजरे जब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आप नहीं गुजरे तो आप दूसरे को जज करें या दूसरे का मजाक बनाएं। अगर आप चैरिटी का हिस्सा नहीं बन रहे इट्स ऑल राइट, इट्स अप टू यू, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जज करने वाला नहीं। जब आपको कोई जज नहीं कर रहा तो आप दूसरे को भी जज ना करें। कोई आपको ये तो नहीं कह रहा क्या है बेचारे इनकी, ये तो इनसे भी ज्यादा भिखारी है, इनके पास भी पैसे नहीं है, देने के लिए नहीं है, नहीं ना। तो प्लीज, अगर आई नो कि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, वी रिस्पेक्ट इट, लेकिन किसी को इंसल्ट करना सिर्फ ये बोल के डोंट डू दिस। हमें नहीं मालूम कि कौन डिजर्विंग है कौन नहीं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है बांटने का तो बता दीजिए मुझे कैसे आप बांट लेते हैं ये सर्टिफिकेट, मुझे तो आज तक इतने सालों में नहीं समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपनी उस हॉरर टेप की तरफ जो कि है थोड़ी सी लंबी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय करेंगे, हम भी सुनते हैं, हमने भी नहीं सुनी भी अभी तक, बाय द वे फ्रेश आई है, सुनते हैं देखते हैं कि क्या वाक्य है। इस दौरान अगर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो भेजिए ना भाई, किस बात का इंतजार है, भेजिए। बढ़ते हैं अपनी इस ऑडियो टेप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, कैसे हैं आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी स्ट्रीम पे, मैं एक्चुअली स्टोरी सुनाना चाह रही थी। एक स्टोरी बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन वेरी करती है, मेरी मदर के ननियाल से और उसके बाद मेरे ननियाल और स्टिल मेरे तक। मेरी मदर के ननिहाल की स्टोरी तो बेसिकली मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उनके साथ क्या इश्यूज होते रहे हैं। जो भी है थोड़े थोड़े मैंने सुने हैं, लेकिन मुझे बेसिकली जो मेरी मदर के घर पे सब कुछ होता रहा मुझे उसके बारे में आइडिया है।
मेरी मदर के घर की बेसिकली स्टोरी सिर्फ एक घर की नहीं है, उन्होंने डिफरेंट घर चेंज किया है लेकिन उनके डिफरेंट घर में ही इश्यूज चलते रहे हैं। जब वो लोग छोटे थे तो जिस घर में वो लोग रहते थे उस घर में कुछ इस तरह लाइक चीज़ें उनको डराती थी, और ये सब स्टार्टिंग में नहीं था, हुआ इस तरह कि उनके घर में लॉन था और लॉन में अनार के दरख्त लगे हुए थे जिस पे अनार बिल्कुल भी नहीं लगते थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की उस पे कि अनार लगने स्टार्ट हो जाए, नहीं लगे, गार्डनर रखा, सब कुछ किया लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। उसके बाद उन्होंने एक दिन देखा कि सुबह वो उठे हैं और उस पे अनार आ चुके हैं, लीव्स आ गए हैं, अनार लगे हैं, और मेरी खाला जो मेरी मदर से छोटी हैं उनको उनकी नज़र है इस तरह की काफ़ी शौक और चंचल, उन्होंने ये अनार उतारा है, अनार खाया है और अनार लेके घर में आई हैं, दो तीन जितने भी अनार लगे थे। उसके बाद से उनके घर में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई। उनके घर में ऊपर वाले फ्लोर में एक अजीब सी स्मेल आती थी जो कि स्मेल अनबियरेबल थी, आप उसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, कोई ऊपर नहीं जा सकता था। पहले बिल्कुल ऐसा इशू नहीं था, उसके बाद से ये इशू होने लग गया। फिर स्मेल के साथ साथ ब्लैक कलर का स्मोक भी आता था जो कि कोई नहीं समझ पा रहा था क्यों आ रहा है, किस लिए है, किस वजह से है, कोई आइडिया नहीं हो रहा था क्या है। डे बाय डे दिन गुजरते गए, ये सब कुछ चलता रहा, किसी ने गौर नहीं किया कि ये सब क्यों हो रहा है। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे नज़र आने लग गए उनको जो कि रिसेंटली चलना स्टार्ट हुए होंगे, जबकि घर में किसी की शादी नहीं हुई थी, सब लोग छोटे थे, और वो बच्चे आके दूध मांगते थे, बार बार आके दूध मांगते थे, और दूध मांगते मांगते वो उस ट्री तक वापस चले जाते थे जो अनार का दरख्त है, वहाँ तक वापस चले जाते थे और वहाँ पर जाके गायब हो जाते थे। खैर ये इशू उनका चलता रहा, ठीक नहीं हुआ, और मेरे नाना ने फैसला किया कि वो घर चेंज कर लें। उन्होंने एक और घर लिया जो कि काफ़ी बड़ा था, उस घर के इर्द गिर्द कमरे थे और सेंटर में सेहन था। सेहन में जामन का दरख्त लगा हुआ था, बहुत बड़ा जामन का दरख्त था, सेम वही जामन के दरख्त पे भी जामन नहीं लगते थे। इन लोगों के जाने के बाद कुछ टाइम बाद उस पर जामन लगे और अगेन मेरी खाला ने उस पे स्टिक से मार मार के जामन उतारे और फिर सब कुछ घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तब तक ये लोग कुछ छोटे नहीं थे कि बहुत छोटे हों और इनको ये प्रॉब्लम से मसला हो रहा हो, बड़े हो चुके थे, मेरे मामू की शादी हो गई थी, लेकिन मेरी खाला के साथ सबसे पहले स्टार्टिंग हुई प्रॉब्लम की। मेरी खाला अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, मेरी खाला रात को उठ के चीखे मारने लग गई, सोए हुए उठ के अजीब सा डांस करने लग जाती थी, जबकि सब लोग उनको उठ के देखते थे कि भाई ये क्यों इस तरह कर रही हैं। उनको कहा जाता था सो जाओ और वो बिल्कुल रिस्पांस नहीं देती थी, बाहर निकल जाती थी, सेन में जाके डांस करना शुरू कर देती थी, जो कि एक अजीब बात है ना, आज तक हम खुद इस पे हैरान है कि वो इस तरह की हरकतें करती थी। फिर ये प्रॉब्लम चलती रही कि मेरी मदर के साथ भी इशू होने लग गया। मेरी मदर रात को सोए हुए अजीबोगरीब हरकतों पे आ गई, मेरी मदर भी सोए हुए अजीब सी आवाज़ें निकालने लग गई जिसमें वो बोलती थी किधर चली हैं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह बहुत डरोनी डरोनी आवाज़ें निकाल के और आंखें फाड़ फाड़ के देखती रहती थी, जबकि उनको नहीं पता कि वो ये सब करती थी। आफ्टर दैट उन लोगों को घर में एक लड़की नज़र आने लग गई जिसके काफ़ी लंबे बाल थे और वो मेरे मामू के साथ काफ़ी फ्री होने की कोशिश करती थी, लेकिन सिर्फ बच्चों को नज़र आती थी, मेरे नाना और मेरी नाना को बिल्कुल नहीं नज़र आता था कि ऐसा कुछ है। वो लोग बताते भी थे कि यहाँ पे एक लड़की है और उस लड़की ने अपना नाम भी बताया था नरगिस, और वो बोलते भी थे नरगिस ऐसे ये वो, इवन दो मेरे मामू उससे शादी करना चाहते थे। उसकी मदर का नाम था तारा, नरगिस तारा, आज तक हम स्टोरियाँ सुनते हैं नरगिस और तारा की, लेकिन नरगिस तारा एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कि उनसे शादी की जाती। फिर मेरे मामू की शादी होगी, मेरे मामू की शादी हुई और उनके पहले बेबी होने वाला था तो मेरी मामी का मिसकैरेज हो गया, जिसमें उनको भी चीज़ें ही डिस्टर्ब करती थी और वो भी चीखे मारने लगी, लाइक सेम मेरी खाला की तरह हरकतें करने लगी वो।
उसके बाद नेक्स्ट उनका बेबी हुआ और बेबी अभी बहुत छोटी थी उनकी बेटी, तो उनको ना बच्चे नजर आते थे कि भाई यहाँ पे बच्चे हैं, और भी ना वो बताती थी और घर पे कोई नहीं मानता था कि यहाँ पे कोई बच्चे भी हैं। फिर उनके बेटा हुआ और उस बेटे को बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, क्रॉलिंग करना स्टार्ट हुआ तो वो दरख्त के पास जाके खेलने लग गया और वो अपनी मदर को कहता था मेरा यहाँ पे दोस्त है, मेरे दोस्त हैं, तीन चार बच्चे बोलता था जो कि स्टार्टिंग में मेरी मम्मी को नज़र नहीं आते थे कि यहाँ पे बच्चे हैं या कुछ इस तरह का है। कुछ टाइम बाद उनको नज़र आने लग गए और वो मम्मी को रोज़ रात को उठा के ना बाहर बुलाते थे कि मैं खाने को दो खाने को दो। वो समझती थी कि उनका ही बेटा उनको बुला रहा है और वो चली भी जाती थी बाहर तक, लेकिन जब बाहर जाती थी बच्चे नज़र नहीं आते थे। उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ती गई कि मतलब कोई भी वॉशरूम में जाता था, शावर लेता था तो वहाँ पे वॉशरूम में ब्लड आने लग जाता था, सब लोग डरते थे, चीखे मारते थे, लेकिन उन्होंने घर नहीं छोड़ा। उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा कि जो भी है यहाँ पे दम धुम कराना शुरू कर दिए, कुरान खानी करवाना शुरू कर दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसने वो जो नरगिस थी वो बिल्कुल भी बाज नहीं आई। उसने क्या किया कि मेरे मामू और मामी सो रहे होते थे तो वो उनके सेंटर में जाके सोने लग गई। मेरे मामू को नज़र आती थी, मामी को बिल्कुल नज़र नहीं आती थी। फिर कुछ अरसे बाद मामी को फील होने लग गया कि मेरे ऊपर मतलब मेरे हस्बैंड के अलावा कोई और भी हाथ रखता है, लेकिन उनको नज़र तो आ नहीं रहा था कि कौन हाथ रख रहा है और कौन नहीं। कुछ टाइम बाद उनको नज़र आया जिसमें उन्होंने काफ़ी डर गई, वो उसका हाथ देख के, उसके बाल देख के उन्होंने चीखें मारी कि हमारे रूम में एक फीमेल क्या कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नज़र आनी बंद हो गई। खैर मेरी मदर की शादी हो गई। मेरी मदर की शादी के बाद इतना इशू नहीं रहा, वो बस मेरे फादर के घर में भी उनको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, चीज़ें डिस्टर्ब करती थी, कुछ ना कुछ महसूस होता था कोई है, कोई सांस ले रहा है, कुछ इस तरह, लेकिन इतना इशू नहीं हुआ। उसके बाद हम बच्चे जब बड़े हो गए, हम बच्चों के बड़े होने के बाद हम लोगों ने एक घर लिया। हम बेसिकली पहले रहते थे सिटी वाले एरिया में, उसके बाद हम कैनाल रोड पे शिफ्ट हो गए। कैनाल रोड पे नई कॉलोनी बनी थी और कॉलोनी जाहिर सी बात है वहाँ पे पहले खेत होते हैं या बागात होते हैं, उनको ख़त्म करके कॉलोनी बनाई जाती है। वहाँ पे कॉलोनी बनाई गई, हमने वहाँ पे घर लिया, हमने घर कंस्ट्रक्ट करवाया। कंस्ट्रक्शन के बाद हम उस घर में शिफ्ट हुए। स्टार्टिंग में तो हमें घर में ना अजीबोगरीब चीज़ें एनिमल्स नज़र आते थे जो कि सच में थे, स्नेक, न्योला और गो, इस तरह की चीज़ें नज़र आती थी और वो खुद ही चली जाती थी तंग तुंग करके, नज़र आ के डरा के सब लोग खुद ही चले जाते थे लोग। आफ्टर दैट मेरी मदर को अगेन फील होना शुरू हो गया कि कोई है, जो कि एक नॉर्मल सांस नहीं है, एक एबनॉर्मल सांस की आवाज़ आती है। उन्होंने डरना स्टार्ट किया, ज़ाहिर है डर ही जाता है इंसान अगर किसी और के सांस की आवाज़ आ रही हो। वो डरती थी लेकिन उनसे कुछ पढ़ा नहीं जाता था, वो ना आदिल कुर्सी पढ़ पाती थी ना कोई कलमा, कुछ भी नहीं पढ़ा जाता था, सांस भी बंद होने लग जाता था, आवाज़ ही नहीं निकलती थी, जुबान भी नहीं हिलती थी। उसके बाद कुछ भी होता था, अलमारियों में से चीज़ें गिर जाती थी, चीज़ें टूट जाती थी, इवन हमारे मेन डोर, मेरा मेन डोर शीशे का था जो कि शीशा काफ़ी मोटा था, तो वो ऐसे अचानक टूट गया, बिल्कुल पीसेस हो गए शीशे के। उसके बाद घर की चीज़ें जो वॉल हैंगिंग्स थी हर चीज़ टूटने लग गई, डे बाय डे डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग गई। मेरी नानो हमारे घर पे रहने लग गई थी क्योंकि वो बीमार थी, मेरी नानो को बच्चे नज़र आने लग गए अगेन जो कि उनको तंग करते थे, डिस्टर्ब करते थे, और वो हमें कहती रहती थी यहाँ पे बच्चे हैं, वो मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे गोली मारने की धमकी दे रहा है, ये वो, और हम उनकी बातें नहीं मानते थे कि शायद बीमार है इसलिए ऐसे कहती हैं, जबकि वो रियलिटी थी, हम मान नहीं रहे थे कि ऐसा हो सकता है। उस सब के बाद उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया, हम बच्चों को। हम मेरे पेपर्स थे टेंथ क्लास के मेरे पेपर्स थे, मैं पढ़ती थी और मुझे फील होता था यहाँ पे कोई है जो मुझे तंग कर रहा है, मेरी चीज़ें ख़राब हो जानी, मेरी बुक फट जानी, मेरी कोई ना कोई इंक गिर जानी, इस तरह होना ये एबनॉर्मल है, नॉर्मली तो ऐसे हम बैठ के पढ़ रहे हो ऐसी चीज़ें नहीं होती। डेली बेसिस पे ही होने लग गया, मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, मेरे पेपर हो गए, पेपर्स के बाद 6 मंथ्स की जो छुट्टियां होती हैं वो होगी। 6 मंथ की छुट्टियों में मेरे रूम में
आए दिन एक लड़की आती थी जो कि मेरी मामा की शक्ल में एज इट इज मेरी मम्मा के गेटअप में आती थी, और उसका रोज यही काम था, रोज मुझे सुबह उठाती थी और उठा के मुझे कहती थी उठो चलो स्कूल चलो, और मैं रोज जवाब दे के सोच जाती थी कि स्कूल तो जाना नहीं है छुट्टियां, और मैं सोच जाती थी, मैं दिखती भी नहीं थी मम्मा मुझे उठा रही हैं या नहीं, क्योंकि नींद इतनी आई होती थी उस दौर में, इंसान का दिल ही करता है कि वो सोया ही रहे उठे ना। खैर उसने डेली बेसिस का काम पकड़ लिया। एक दिन मैं उठ गई और उठ के मैंने देखा वो मेरे पाँव में बैठी हुई थी बेड पे, और उसने मुझे कहा उठो मेरे साथ चलो। तो मैंने उसको आगे से कहा मामा मैंने स्कूल नहीं जाना, आपको नहीं पता छुट्टियां हैं, अब रोज मुझे आके कहती उठो उठो चलो। उसने आगे से कहा उठो चलो, मैंने कहा मैंने नहीं उठना। खैर मैं सोई और मैं थोड़ी देर बाद दोबारा उठ के देखा तो वो मेरे ड्रेसिंग टेबल के साथ खड़ी थी टेक लगा के। मैंने आगे से कहा कि आपको क्या हो गया, आप जाती क्यों नहीं हो, मैंने स्कूल नहीं जाना है। मुझे ये सब सुनाते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे वो सारा टाइम याद आ रहा है। फिर मैंने अपनी मदर को बताया कि आप रोज़ आके मुझे उठाने लग जाती, आपको नहीं पता मैंने स्कूल नहीं जाना होता, आप रोज़ उठाती, और उनका मैं तो नहीं उठाती, मैं आप ही उठाती, आप ऐम ही कह रही हो मैं नहीं उठाती, अब भूल गई हो मैं नहीं उठाती, और उनका मैं नहीं उठाती। डेली बेसिस पे वो मेरी मदर की ही शक्ल में हमें नजर आती थी हम तीनों बहन भाइयों को, और तीनों को कुछ ना कुछ कहती रहती थी। और एक दिन हम तीनों इकट्ठे होकर मम्मा को कहने लगे मम्मा आप ये कर रही थी, मम्मा आपने ऐसे क्यों किया, आपने ये क्यों बोला, तो मम्मा ने कहा मैं तो किचन में हूँ। और हमने देखा कि अभी तो मम्मा ड्राइंग रूम में हमें नजर आ रही थी और मम्मा किचन में खड़ी और हम किचन में मम्मा से बात कर रहे हैं, तो हमें तब जाके एहसास हुआ कि ये अब नॉर्मल है, कुछ नॉर्मल नहीं है। हमने घर सेल पे लगा दिया, घर सेल नहीं होता था, बहुत मुश्किल घर सेल हुआ, सेल ही नहीं होता था। हमारे पीछे एक फैमिली रहती थी, उनकी जो बेटी थी वो कारिया थी, वो मिस पारा पढ़ाती थी, उसने हमें बताया कि यहाँ पे पहले दरख्त थे, दरख्तों पे लोगों को चीज़ें नज़र आती थी इस तरह, और लाइट्स नज़र आती थी, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था कि नज़र आता लाइट्स और ये सब कुछ। उसके बाद हमने घर सेल कर दिया, हमने घर छोड़ दिया और हमने दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। दूसरे घर में भी रोज़ का यही काम था, कोई ना कोई आके तंग करता था, कुछ ना कुछ नज़र आता रहता था। हमने बॉदर नहीं किया, हमने अपना घर कंस्ट्रक्ट होने का वेट किया, हमारा घर कंस्ट्रक्ट हुआ, हम उसमें शिफ्ट हो गए, हम घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसे ही इशू था। मेरे बाकी घर वालों के साथ मसला ख़त्म हो चुका था, मेरे भाइयों को कोई कुछ नहीं कह रहा था, जो भी चीज़ थी वो मुझे डिस्टर्ब करती थी, मैंने सोना होता था मुझे सोने देती थी, मेरी चादर उतार देती थी, मेरे बाल खींच देने, कभी मुझे कुछ कर देना, इवन दो कभी कभी तो मेरे कपड़े भी तंग करके कभी कुछ करना कभी कुछ करना। मैं इतना डरने लग गई थी कि मुझे मेंटली अपने आप को अनस्टेबल फील करना शुरू कर दिया मैंने। मैं सारी रात बेड पे बैठी रहती थी, अपने आप को बहुत ज़ोर से पकड़ के इधर उधर नहीं देखती थी, मैं वेट करती थी सुबह हो जाए, सुबह ड्राइवर अंकल आए और ड्राइवर अंकल की आने की आवाज़ आए कि वो आ गए हैं, और मैं फिर जाके सोऊं, बाकी लोग तो जब भी उठेंगे वो तब उठेंगे। खैर इशू ख़त्म नहीं हुआ, मैंने शावर लेना, मुझे शावर लेते हुए प्रॉब्लम होनी कि मैंने शावर लेते हुए चीख चीख के कहना शुरू कर दिया मुझे क्यों तंग करते हो, मुझे नहाने तो दिया करो, मुझे ना तंग करो। लेकिन वो डेली बेसिस का काम था, रोज़ कुछ ना कुछ होते रहना, कभी कुछ हो जाना कभी कुछ हो जाना। स्टार्टिंग में तो मैं घर पे बताती थी कि ऐसे हो रहा, तो सब लोगों को लग रहा था कि अब तुमने घर भी चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज हो गया, मैंने शायद मेंटली इस चीज़ से डिस्टर्ब हूँ कि मुझे ये मसला है। फिर एक मौलवी साहब थे जिनसे मेरे फादर ने कंसल्ट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि एक औरत है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती नहीं है कि मैं किसी भी सूरत में सुकून में रह सकूं, वो हर टाइम मुझे डिस्टर्ब करती है, और बेसिकली वो एक औरत नहीं है, एक औरत की गंदी रूह है या जो भी कहते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या कहते हैं। उन्होंने मुझे पढ़ के एक पानी दिया, उन्होंने कहा इससे शावर वगैरह लो, ये सब कुछ करो, मैं ठीक हो गई, बहुत बेहतर हो गया, हम मुझे चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे डर नहीं लगता था, सारा कुछ ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मैंने ऑफिस बनाया, मेरा फोटोग्राफी का काम है, मैंने अपना ऑफिस बनाया। मेरे ऑफिस में बहुत डिस्टर्बेंस होने लगी, मैं ऑफिस जाती थी मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती थी, मुझे अजीबोगरीब ख्याल आते थे, मुझे अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती थी। इवन मेरे स्टाफ में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो रोज़ मुझे ये कहते थे मैम आपको क्या हो रहा है, मैम आपको क्या हो रहा है।
मैंने ऑफिस में नमाज भी पढ़नी, मैंने सूरह रहमान पढ़नी, सारा कुछ करना, जितनी देर तक मैंने पढ़ना उतनी देर तक ठीक रहना, उसके बाद फिर ये सब कुछ मुझे होने लग जाना। और आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आ गया था कि मैं ना नमाज पढ़ पाती थी, ना मैं कोई कुरान पाक का लफ्ज़ पढ़ पाती थी, ना मैं दुरूद शरीफ पढ़ पाती थी, मुझसे कुछ पढ़ा ही नहीं जाता था, अल्लाह माफ़ करे। मुझे इन सब चीज़ों से चिढ़ होने लगी थी, कोई मुझे कहता था नमाज पढ़ो, मुझे गुस्सा आता था कि मुझे नमाज पढ़ने को कह रहा है इस तरह। बहुत बुरा वो टाइम जो मैंने फेस किया। फिर मेरे ऑफिस में चीज़ें, मेरी सारी चीज़ें, मेरा बोर्ड, मेरा टेबल, मेरे ऑफिस में LCD लगी हुई थी, वो सब कुछ एकदम गिर गया। ये भी नहीं कि बाहर आंधी आई, तूफान आया, सिलसिला आया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मेरे ऑफिस में ये सब कुछ हुआ। लाइट्स ऑफ हो गई और मैं बहुत डर गई, और जब मैंने बाहर निकल के देखा बाहर सब कुछ नॉर्मल था, मेरा सारा स्टाफ डर गया कि ये क्या हो गया। फिर ठीक ही नहीं हो रहा था कुछ, बहुत लोगों से कंसल्ट करना पड़ा, मेरे स्टाफ ने बहुत से लोगों के बारे में बताया, हर एक से पूछा, हर एक ही बात बोलता था कि मेरे पीछे एक जिन है जो पड़ा हुआ है और वो चाहते हैं वो मेरे से शादी करे, जो कि मुझे ना ये बात भी यकीन ही नहीं आता था, मुझे लगता था ये बकवास है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन डेली बेसिस का ये था, मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, 1 month में मेरा 65 से 46 पे वेट चला गया, जो कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल था। मेरे घर वाले बहुत डर के, इवन मेरी मदर रोती थी कि मैं ठीक हो जाऊँ, और मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। कोई हमने डॉक्टर नहीं छोड़ा दुनिया का जिसको हमने नहीं चेक कराया, किसी को कुछ नहीं पता लगता था मुझे क्या बीमारी है, क्या मसला है। हर किस्म के टेस्ट करवा लिए, CT स्कैन करवा लिया, MRI करा लिया, सारा कुछ करवा लिया, किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था कि मुझे कोई इशू है। मुझे लगता था मुझे कैंसर हो गया, जो मेरा ये हाल है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा था। इस सब के बाद मेरी मदर की एक कज़न थी, उन्होंने कहा कि इसको, मुझे लगता है कि इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ इसके पीछे पड़ी है जो ये इस तरह के हाल पर पहुँच गई है, ये ठीक ही नहीं हो रही, इतनी इलाज करवाने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रही। फिर उनके थ्रू हम एक आदमी को मिले जिसने सेम यही बात की कि मेरे साथ एक जिन है जो कि मेरा आशिक है। मुझे आज भी सारी बातों पे हंसी भी आती है और डर भी लगता है, और वो मुझे चाहता नहीं है कि मेरी किसी से भी शादी हो, कोई एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। इवन तो जब मेरी कोई भी रिश्ते की बात होती थी, जिससे भी रिश्ते की बात होती थी, उस बंदे को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कुछ ना कुछ होता था। और फिर मेरी इंगेजमेंट हो गई, अब जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी स्टार्टिंग में इतने प्रॉब्लम्स होते थे, कुछ ना कुछ, कभी कुछ हो जाना, उनको चोट लग जानी, एक्सीडेंट हो जाना, सर फट जाना, बैठे बैठे सर फट जाता था, खून निकलने लग जाता था, अग्रेशन इतना ज़्यादा होता था उनको, मतलब वो हर ऐसी कोशिश करते थे कि मतलब मेरे से ना वो दूर हो जाए, हर इस तरह की कोशिश, इतना अग्रेशन। हम दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। फिर हम उनके पास थे, उन्होंने कहा कि शादी की डेट तक, निकाह तक हमारे, वो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी पढ़ने को कि ये करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ निकाह तक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी है वो चाहते हैं हमारा निकाह ना होए। कुछ लोग तो कहते थे निकाह में निकाह हो जाएगा, उसके साथ जिनका भी निकाह हो जाएगा, मेरे साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये चीज़ें पढ़ती रहूँ, मैं ये पानी पीती रहूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लिटरली निकाह वाले दिन तक इतना मुश्किल था कि निकाह से 5 मिनट पहले तक मुझे अपने ही हस्बैंड जहर लग रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मुझे निकाह नहीं करना चाहिए, मुझे उठ जाना चाहिए यहाँ से। और मैंने सब कुछ याद किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैंने ये निकाह करना है। हमारा निकाह हो गया। हमारे निकाह के बाद भी हमारे बीच में काफ़ी क्लैश रहा कि हम चाहते नहीं थे हम साथ भी रहें। बहुत मुश्किल सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन वो जो भी चीज़ थी उसने मुझे इतना डिस्टर्ब किया। और फिर मुझे उसी आदमी ने बताया कि ये बेसिकली इशू एक मेरा इशू था, मेरे इन लॉज में भी ये इशू है, उनके घर पे भी ये सब चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ के साथ हूँ, वो चीज़ जो भी जिन है वो मेरे साथ रह रहा है, तो
बाकी चीजें भी मेरे साथ अटैच हो रही हैं। मेरी इतनी अजीब हालत हो जाती थी, मेरे हाथ उल्टे हो जाते थे, मेरे पाँव टेढ़े हो जाते थे, मुझसे हिला नहीं जाता था, मुझसे बोला नहीं जाता था, मेरी आंखें ऊपर चढ़ जाती थी और मुझे देख देख के मेरे हस्बैंड बहुत डरते थे। लेकिन शुक्र अल्लाह का अब जाकर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन मुझे अभी भी ये सब कुछ आपको सुनाते हुए इतना डर लगा क्योंकि मैंने ये सब कुछ फेस किया है। सुनने वाले को बेशक इतना डर नहीं लगता होगा, लेकिन जिस इंसान ने ये सब कुछ फेस किया है, सब कुछ नज़र आ रहा है, सारा कुछ उसके साथ रह रहा है, तो वो बहुत ही मुश्किल टाइम था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी एक तवील दास्तान हमसे शेयर की। एंड मेरा मानना ये है कि जब अल्लाह ताला किसी प्रॉब्लम में इंसान को डालता है ना, तो फिर उसका जो अजर है, उसके शुक्र का, उसके पेशेंस का, वो 10 गुना ज़्यादा देता है अल्लाह। तो जिस तकलीफ से भी आप गुजर रही हैं, जिस नौयत की भी, इंशाल्लाह ताला देखेगा कि जब अच्छे दिन आएंगे तो आप कहेंगे कि यार ये बुरा वक्त भी गुजरा था हमारे साथ, ऐसा हो जाएगा। खैर जी, 2 घंटे 18 मिनट की स्ट्रीम हो गई है और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अबे आपसे जो ये लेटे हुए आंखें बंद करके प्रोग्राम सुन रहे हो, आंखें खोलो आंखें, और वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया अभी तक? इतनी कमजोरी, इतनी सुस्ती, काहली क्यों है इतनी है? वीडियो को लाइक करें वीडियो को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपकी शादी जो है वो चाहत फतेह अली खान जैसे किसी लड़के से होगी, या लड़की भी चाहत फतेह अली खान जैसी ही होगी। तो ये दिस गोज बोथ वेज, सोच लें अब आप लोग। वीडियो को लाइक कर लें और चाहत फतेह अली खान को अपनी जिंदगी से दूर कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपकी होने वाली बीवी या होने वाला मियां चाहत फतेह अली खान जैसा ही होगा, आगे आपकी मर्जी। वेल चलें जी, अब हम जब देखा कैसा फौरन मियां बीवी, होने वाली मियां और होने वाले बीवी के बारे में बात करो तो फौरन लाइक्स आना शुरू हो गए, टक 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 टक, जल्दी कर दो, नहीं आएंगे, हमें चाहत जैसा नहीं चाहिए। चाहत तो चाहिए लेकिन चाहत फतेह अली खान नहीं चाहिए। अपना बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यश चौहान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अस्सलाम, ये कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये किस तरह बोलते हैं जरार है? अस्सलाम वालेकुम, ऐसे बोलते हैं? या मैं सोचूं वो जो उनका सलाम है ना, वो रिकॉर्ड करके अलग से रख लूं और जब भी कोई कॉलर आए ना तो पहले वो प्ले करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे बोलते हैं, फनी हो जाएगा। नहीं, लेकिन आजकल हमारा जो है ना वो हॉरर शो करने का जो वो है टेम्परमेंट वो बना हुआ है, शायद ये जो ट्रिप था हमारा ये काम आ गया, थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई जिंदगी में। आज मैंने एक छोटा सा, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के उस इख्तिताम उस टाइम पे जा रहे हैं जब हम ख़त्म करने वाले, तो आपसे 5 मिनट लूँगा। ये वो 5 मिनट हैं जो मेरे होते हैं। पेनी वाइज कहती है, मिनाज भाई आपको मेंबर्स याद हैं? मेंबर्स सारे याद हैं, नाम से याद हैं, अता पता सब याद है मुझे। हम मेंबर्स ओनली स्ट्रीम भी करेंगे, सारे मेंबर्स मिलके डिसाइड कर लें और एक ईमेल मुझे कर देगा। जब सारे मेंबर्स मेजॉरिटी लोग मौजूद हों तो फिर हम मेंबर ओनली स्ट्रीम भी करेंगे। खैर, मैंने आज एक डॉक्यूमेंट्री देखी, स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार जिसे कहा जाता है रीसेंट टाइम में, वो है कॉनन मैकग्रेगर, सही है? और
उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी उसकी लास्ट एक दो एपिसोड्स रह गई, वो मैं जाके स्ट्रीम जैसी ख़त्म होगी फिर देखूंगा। तो उसमें से एक चीज़ मैंने जब वो देखी तो मैं उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाया। याद है जब कॉनर मैकग्रेगर की फ़ाइट हो रही थी खबीब से, तो मैकग्रेगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मतलब उसने पहले तो अटैक किया उस बस के ऊपर, एंट्राज के ऊपर, फिर उसको एक कम्युनिटी सर्विसेज की फाइन लगा, फिर बदतमीजियां बहुत की मज़हब को लेके, वालिदैन को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रैश टॉक किया था। और वो जो है इसी वजह से शायद वो फाइट जो है वो फाइट ऑफ द मिलेनियम भी कहा गई थी। खैर वो फाइट हुई और उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि क्या हुआ, कि वो खबीब से हार गया। उसके उसके फौरन बाद ही आई थिंक कोविड आ गया था, सारे सब चीज़ें बंद हो गईं, और फिर कोविड ख़त्म हुआ, फिर फाइट्स दोबारा होना शुरू हुई, और फिर उस तरह मैकग्रेगर को दोबारा मौका मिला 2-3 साल के बाद एक और फाइट करने का। तो वो जो है ना अब जब फाइट की ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या सीखा अपने माजी से। तो कहता है कि जब मैंने खबीब से फाइट हो रही थी तो मैंने हर वो चीज की जिसका ताल्लुक ट्रेनिंग से नहीं था, जिसका ताल्लुक उस आर्ट से नहीं था जिसके लिए मैं वो कर रहा था, यानी कि उस फाइट से ताल्लुक नहीं था, और वही चीज उसने सीखी। वो कहता है कि मैं जब खबीब से फाइट होने वाली थी तो मैं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती थी कि ये मत करो, मैं वही करता था जो चीज़ मेरा दिल कहता था ना कि वो ना करो, मैं वही करता था। या मैंने फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग का एक टाइम बनाया हुआ था कि सुबह 4 बजे से 9 बजे तक मैंने ट्रेनिंग करनी है, मैं ट्रेनिंग नहीं करता था, मैं हर उस चीज़ को अपोज करता था, उसके अगेंस्ट जाता था, और जिसकी वजह से वो जो मेरा टेम्परमेंट था, वो एटीट्यूड था, वो चेंज होता गया, और फिर मैं इतना नेगेटिव हो गया कि मैं लड़ाई को, वो पर्सनल लेवल पे चली गई थी लड़ाई, तो मैं ट्रेनिंग को भूल के वो पर्सनल इमोशंस उसके अंदर अटैच हो गए थे, जिसकी वजह से वो कहता है कि ये रीज़न हुआ मेरी हार का। अब वो कहता है कि ये जो फाइट हो रही है इसमें मैं बैक टू बेसिक चला गया हूं। और उस टाइम पे चला गया जब मैं नया MMA फाइटर बना था और रिंग में आया था, ऑक्टोगन में आया था, और मैंने जीतना शुरू किया था, और उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग दिखाई है उसके अंदर, उसके अंदर इंजरीज भी हो रही हैं, मसले मसाइल भी हो रहे हैं, और फिर वो फाइनली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जो कि मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है MMA की, जिसमें वो ट्रैश टॉक कर रहा होता था मैकग्रेगर। तो उसमें ना सब परेशान थे कि मैकग्रेगर को हुआ क्या, बड़ा काम कंपोज तरीके से हाथ मिला रहा है, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बदतमीजी नहीं दे रहा, गालियां नहीं कर रहा। तो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो उसने उस वक्त ये सारा किस्सा बताया कि मैं फाइट के चक्कर में इतना नेगेटिव हो गया था, या इतना उसके इर्द गिर्द की चीज़ों में महव हो गया था कि मैं असल चीज़ भूल गया। यही चीज जब उसने बोली ना तो मैंने भी कनेक्ट की अपने आप से कि यार एक जिंदगी का, हमेशा मेरे जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब मैं जो ना अपनी कोई भी चीज़ जो काम कर रहा हूं तो उसको मैं फॉर ग्रांटेड ले लेता हूं। और यही चीज थाईलैंड जाने से पहले आप सबने भी नोट की, मेरे जितने भी दोस्त सुनने वाले हैं, मेरी फैमिली, उन सब ने भी नोट की कि मिन्हाज I think you're taking your stream, your horror show for granted. तो मैं जब पहली दफ़ा मुझे किसी ने बताया ना तो मैं ज़रा मैं ऑफेंड हुआ कि यार नहीं यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन डीप डाउन इनसाइड मुझे पता था कि मैं शायद वो मेहनत नहीं कर रहा, वो लगन नहीं है, वो चाह नहीं है, वो ख्वाहिश नहीं है जो होती थी, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों ने पसंद किया। ट्रिप पे जाने का रीजन ही ये बना था कि मैं हर चीज से डिटैच हूं, जाके मुझे मौका मिले सोचने का, समझने का, वापस राह रास्त पे आने का। एंड आई डिड
मुझे ये लग रहा है अब मैं बैक टू बेसिक आ गया। बैक टू बेसिक क्या मतलब, जब मैंने रेडियो शुरू किया था उस वक्त मुझे ना ये कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे लाखों लोग सुने, अरबों लोग सुने, करोड़ों लोग सुने, चार लोग सुने। मुझे था कि मैं कहानी बताऊं आके, सुनने वाला को अच्छी लगे बुरी लगे कैसी लगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मुझे शौक है, जो मुझे मजा आता है वो मैं करूं। तो आई एम बैक टू माई बेसिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो री इन्वेंट किया अपने आप को बेहतर लगे, अच्छा लगे। और जहां पे भी आपको कभी कोई खामी लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी, ऑलवेज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शायद वाहिद बंदा हूंगा, आई थिंक ज्यादा बोल दिया, ज्यादा बड़ी बात कर दी, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं वाहिद बंदा हूंगा जिसको आप लोगों ने स्टोरी टेलर बनाया है। क्योंकि मैं खुद एक तो कभी स्टोरी टेलर था नहीं, ना ही मुझे शौक था, ना ही मुझे पता था। मैं तो एक अदाकार बनना था, मुझे अदाकार बनना था, मुझे फिल्म बनानी थी, डायरेक्शन करनी थी, इस तरह की चीज़ें बना करना था, म्यूज़िक करना था। ये तो वहम और गुमान में भी नहीं था कि यार ये होगा आगे ज़िंदगी में, लेकिन ये सब आप लोगों ने किया। तो मैं जो स्टोरी टेलर बना हूँ वो आपकी वजह से बना, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह न करे तुम्हें चाहत फतेह अली खान जैसा मियाँ मिले, न करे तुम्हें चाहत फतेह अली खान जैसी बीवी मिले। क्यों बनाई मेरी ऐसी जिंदगी? नहीं, ऐसा ना हो। वो भी अच्छे हैं यार, वो भी फनी है, हर किसी को खुश, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है ना, दैट्स अबाउट इट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल। कोई बात बुरी लगती हो माफ कर दीजिए, अगर ज्यादा बुरी लगती है तो दिल पे ले लीजिए, और अगर बहुत ज्यादा बुरी लगती है तो दिल में गाली दे दीजिएगा लेकिन बाद में माफ कर दीजिएगा, लेट इट गो। सही है, गुस्सा रख के अपने आप को ही बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, समझे? लाइफ इज टू शॉर्ट, एंजॉयज करें, एंजॉयज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, जिंदा रहे तो कल मुलाकात होगी। कल चूंकि संडे होगा, मतलब आज संडे होगा, तो हम थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की स्ट्रीम करेंगे। अब वो कल ही आप लोगों को पता चलेगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सब मिलके मेरे साथ बोलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, खुदा हाफिज़।